Good morning, friends. Can we start? So today again we are starting with summary notes. So I'm here on summary note of chapter number 3, page number 6, and question number 5. पेज नंबर 5। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा समरी नोट से भी खत्म करेंगे, थोड़े पेजेस बाकी थे, राइट? नो गाइस, हे गाइस, आर यू देयर? ओके, फाइन। आई स्टार्ट नाउ। स्क्रीन पे सभी लोग देखिए, वर्चुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ या ना, दिख रहा है? ओके, फाइन। बताएंगे कोई भी ऐसा नेटवर्क? सभी लोग ध्यान दे रहे हो ना? देखो, हमें परफेक्शन की ओर जाना है। जितना रिवाइज होगा उतना परफेक्शन आएगा। इंट्रानेट और प्लीज डोंट टॉक। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट में आप मुझे बताओ कौन सा एक्सेसिबल टू आउटसाइडर? हम विच वन इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइडर? बताएंगे इंट्रानेट इज इन व्हाट? वेबसाइट, बट विद इन व्हाट? इंट्रानेट ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वालों को दिखती है। क्या आप मुझे बताइए, क्या ब्रांचेस को आपस में डेटा शेयर करने के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा? वो क्या बनाएंगे? वो एक इंट्रानेट बनाएंगे, और जिस इंट्रानेट की वजह से, बोलो साहब, आपस में वो बात करते रहेंगे, है ना एवरीवन? अभी कल जो हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो इंट्रानेट है या एक्सट्रानेट है? सोच के जवाब देना, जल्दबाजी मत करना उसमें। क्या वो एक्सट्रानेट है? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेस दिया है आउटसाइडर्स को, ऐसे आउटसाइडर्स जो हमारे कस्टमर्स है। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो, मैं बात कर रहा था एक्सट्रानेट की। तो एक्सट्रानेट पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके पेज नंबर 6 पर है। क्या लिखा, जरा देखो, रूल्स ऑफ व्हाट? और क्या लिखा, देखो, फ्लेक्सिबल पार्टनर की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देखने के बाद। ये उसकी मेमोरी टेक्निक है, पर आपको एक क्वेश्चन मालूम है? जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पे जाओ और एक्सट्रानेट पे जाओ और देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज द पेज नंबर? 121 पे आओ और वहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा है फाइव रूल्स ऑफ एक्सट्रानेट, ऐसा लिखा हुआ है, राइट? तो उसमें फर्स्ट रूल देखिए क्या लिखा है। बी एज फ्लेक्सिबल एज द बिजनेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग ध्यान लगाओ यार, चलो अभी। हाँ, बताओ साहब, इसका मतलब क्या हुआ? कि एक्सट्रानेट को हमने तभी लगाना चाहिए जब एक्सट्रानेट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब एक्सट्रानेट शुड बी एबल टू चेंज एज पर व्हाट? व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? डिप्लॉय इन व्हाट? इंटरनेट टाइम। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रानेट को हमने तभी लगाना चाहिए जब एक्सट्रानेट के लिए अलग से रिसोर्सेज लगाने की जरूरत। व्हाट एवर रिसोर्सेज वी हैव डेवलप्ड फॉर इंटरनेट शैल बी यूज्ड फॉर एक्सट्रानेट। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? मतलब एक्सट्रानेट को हमने तभी लगाना चाहिए जब हमारा डेटा कहीं ऐसा ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल डेटा ही लोग बाहर देखे। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? इसका यह मतलब होता है कि एक्सट्रानेट के खातिर किसी को अपने सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत, मतलब हमारे जो पार्टनर्स है, हमारे जो कस्टमर्स है, सप्लायर है, उनकी सिक्योरिटी उनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमारे एक्सट्रानेट के लिए। एंड व्हाट इज पॉइंट नंबर 5? ड्राइव इंफॉर्मेशन टू द व्हाट? मतलब एक्सट्रानेट ने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेने में आसानी हो, है ना?
आप सभी लोग मेरे को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मेरे पास में आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी कि कब अगर आप लॉग इन करते हो तो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, तो आपके सारे सब लोगों की डिटेल्स मेरे पास आएगी, तो मुझे ये समझ में आएगा ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ से डाउनलोड हो रहा है इंडिया में, तो आपको लगता नहीं आई वुड बी एबल टू टेक मोर बेटर डिसीजन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये तो समझेगा एप्लीकेशन की डिमांड कहाँ कहाँ पे, मतलब एक्सानेट ने ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में और भी आसानी हो। तो ये 5 पॉइंट्स है, कौन से देखो, फर्स्ट पॉइंट फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट कब सोचना चाहिए, एक्सानेट को लगाने से पहले या बाद में, ये पॉइंट तब सोचो जब एक्सानेट लगाने से पहले। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, नंबर टू, एक्सानेट को लगाओ पर रिसोर्सेज किसके यूज होना चाहिए। व्हाट इज पॉइंट नंबर थ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो कैसा नहीं होना चाहिए, बाहर वालों ने हमारा डेटा देख लिया। व्हाट इज पॉइंट नंबर फोर, हमारे पार्टनर को हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। व्हाट इज पॉइंट नंबर फाइव, एक्सानेट शुड जनरेट इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग, तो ऐसे 5 पॉइंट है, इसका मेमोरिटी नहीं देख लीजिए, रूल्स ऑफ एक्सानेट ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है देखो, फ्लेक्सिबल पार्टनर की क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 6 चैप्टर नंबर 3, फ्लेक्सिबल पार्टनर की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देखने को मजा आती है, ऐसा लिखा है ना, तो लिखो फ्लेक्सिबल क्या मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल वर्ड को अंडरलाइन करिए और लिखो फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ, नीचे पॉइंट लिखो फ्लेक्सिबल। अब बताओ पार्टनर से क्या बोला मैंने आपको, पार्टनर वर्ड को अंडरलाइन करो, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर ओवर हियर, सर्व कस्टमर एज अ और सर्व पार्टनर एज अ कस्टमर, लिखो सर्व पार्टनर एज अ कस्टमर, सर्व पार्टनर एज अ कस्टमर, इंटरेस्टिंग अंडरलाइन द वर्ड, इंटरेस्टिंग से बताओगे कोई मीनिंग उसका, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, डेटा ओनर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेटा ओनर, इंटरनेट का मतलब जानते हो क्या, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन है ना उसके पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, उसने ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए सो दैट वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हाट, लिखो इट शुड जनरेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इट शुड जनरेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट, अरे इंटरनेट का मतलब यहाँ पे टाइम से होता, अरे एक्सानेट को तभी लगाओ जब वो इंटरनेट टाइम में इंप्लीमेंट हो, मतलब रिसोर्सेस ऑफ इंटरनेट शैल बी यूज्ड, इंटरनेट को अंडरलाइन करो और लिखो इंटरनेट टाइम, इंटरनेट टाइम, लिखो ब्रैकेट में नो नीड ऑफ डेवलपिंग सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सानेट, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सानेट, हाँ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा होगा है ना, और क्या लिखा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, चलो ध्यान लगाओ भाई, इधर देखो, इधर देखो, ई कॉमर्स से मेरा पहला आपका सवाल है, बताओ बच्चों कॉमर्स क्या होता है और दूसरा है ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, मैं अगर उस शॉप पे जाके बाय करता हूं तो ये कॉमर्स हुआ, और जब मैं वही चीज फ्लिपकार्ट से बाय करता हूं, बुक माई शो से बाय करता हूं, मेक माई ट्रिप से बाय करता हूं, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए ई कॉमर्स के, मेरी बुक ऑनलाइन आज बिकती है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ई कॉमर्स, ये सारे एग्जाम्पल हमने उस दिन देखे थे ई कॉमर्स करते समय, हाँ या ना, एग्जाम्पल लिखो पहले, क्वेश्चन नंबर 26 लिखो एग्जाम्पल्स, हेडिंग पे लिखना, इधर उधर मत लिखना,
बोलो क्या है हेडिंग पर. एग्जाम्पल, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट कोमा ऑनलाइन रिचार्ज. बस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट देर आर सो मेनी पॉइंट्स. वी शुड हैव सम मेमोरी टेक्निक टू रिमेम्बर इट, है ना. ये मेमोरी टेक्निक ऐसी है छोटी, पर सारे के सारे पॉइंट्स कवर है. अब जरा देखो पॉइंट्स कितने उसमें, 5, 10, अराउंड 15-16 पॉइंट्स है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर अदरवाइज. जरा देखो क्या लिखा है वहाँ पे. इन न्यू, जरा ध्यान से देखना, अच्छे से याद करना. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम. इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर. मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछा, ये कैसा लिखा है. अगर आप ग्लोबल मार्केट में जाओगे, है ना, फर्स्ट देखो इस मेमोरी टेक्निक को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करोगे. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, अगर आप नए और ग्लोबल मार्केट में गए तो पहले तो आपने कस्टमर की कॉस्ट कम करना चाहिए, मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर, और ओवरहेड कम से कम करना चाहिए. दैट इज अबाउट इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड. और अगर आपने इन दोनों के बारे में टाइम पे सोचा नहीं तो इट मे क्रिएट व्हाट, इकोलॉजिकल क्वालिटी, मतलब आपके सिस्टम में एरर आ जाएगा. वापस से बोलो. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, इफ द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड्स आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम, इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर. वापस से बोलना. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, इफ द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड्स आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम, इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर. अब जरा देखना एक एक पॉइंट से, मतलब क्या होता है. न्यू को अंडरलाइन करिएगा, आपको न्यू सब सीक्वेंस में दिखेगा, है ना. न्यू दिख रहा है, ग्लोबल, ग्लोबल दिख रहा है क्या, अंडरलाइन करो और नीचे भी अंडरलाइन करो. ए न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, मार्केट को अंडरलाइन करिएगा, नीचे भी मार्केट को, सब सीक्वेंस में दिया हुआ. कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, और कॉस्ट से लेकर 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स आपको दिखेंगे. कॉस्ट वर्ड को अंडरलाइन करो और नीचे कौन सी कॉस्ट कम हो रही है देखो. कॉस्ट ऑफ बायर, कॉस्ट ऑफ सप्लायर, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड वर्ड कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. बाद में कस्टमर से कस्टमर दिया हुआ है, अंडरलाइन द वर्ड. इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस दिया हुआ है, सब सीक्वेंस में आप इधर उधर मत देखिए. ओवरहेड से ओवरहेड है, टाइम से टाइम है. एंड इट मे क्रिएट, क्रिएट मतलब क्रिएट न्यू मार्केट. इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल बेनिफिट्स. क्वालिटी मतलब क्या, बेटर क्वालिटी. एयर मतलब एयर. सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. इस मेमोरी टेक्निक का फायदा ये है कि आपको कुछ ऐसे ABCD कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ड्स ही आपको दिए हुए, ठीक है ना. अब एक एक करके हम लोग पॉइंट्स का मतलब देखेंगे, है ना. बताओ जरा, इन न्यू एंड, बोलो जल्दी से, इन न्यू एंड व्हाट. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू. एक मिनट बस, न्यू का मतलब बताइए. क्या आपको लगता है ई कॉमर्स की वजह से आप नए मार्केट में आप जा सकते हो. एग्जाम्पल, आज मेरी बुक यहाँ पे नहीं बिकती है, पूरे इंडिया में बिक रही है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. इन न्यू एंड ग्लोबल, क्या आपको लगता है ई कॉमर्स का धंधा इंडिया में है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है. ए न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, क्या आपको लगता है मार्केट का मार्केट क्या सबके लिए सेम होता है, मतलब गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म दिया है. मार्केट विल रिमेन व्हाट, इक्वल फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस. बोलो भाई, इन न्यू, बोलो जल्दी से वापस, हाँ मेरे साथ बोलो. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, कॉस्ट, कॉस्ट, हाँ बताओ कौन सी कॉस्ट कम होगी ई कॉमर्स की. कॉस्ट ऑफ बायर, कॉस्ट ऑफ सप्लायर, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. ये हमने सब ऑलरेडी देखा है कौन सी कॉस्ट कम होती. कॉस्ट ऑफ कस्टमर, आप मुझे बताओ कस्टमर से क्या पॉइंट है, कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं. जैसे अगर मैं बुक माई शो से टिकट खरीदता हूँ तो मुझे ही पूछा जाता है कि कौन सी मूवी जाना है और कौन सा शो जाना है, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है. है. वापस से बोलिए साहब. इन न्यू, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो. हाँ, इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, इफ द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड्स आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम. मतलब ई कॉमर्स के धंधे में अगर यही मैं नॉर्मल टिकट बुकिंग करने जाता तो 1 घंटा लगता, और ई कॉमर्स में उसको ही 5 मिनट लगते. क्या आपको लगता नहीं कि हमारा टाइम से हुआ. हाँ, आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम, इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल. मतलब बताओ इकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ. क्या ई कॉमर्स की वजह से पेपर, AC, अभी फ्लिपकार्ट में जाओगे तो पेपर यूज नहीं, AC यूज नहीं होगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल बोल, तो क्या क्या,
जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो पेपर यूज़ नहीं होगा, और हम लोग इतने दूर नहीं जाएंगे तो हमारा पेट्रोल नहीं यूज़ होगा, तो इकोलॉजिकल होगा। क्वालिटी मतलब बताओ क्या होगा। क्या आपको लगता है आजकल ई कॉमर्स के धंधे में कॉम्पिटिशन बढ़ी है, इसकी वजह से क्वालिटी बढ़ेगी? जैसे ईबे है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतना कॉम्पिटिशन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोलो जल्दी से। अच्छा, इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर्स, एरर्स होंगे या नहीं होंगे? किसी को याद है एरर क्यों नहीं होंगे? सब भूल गया ना, एग्जामिनेशन में एरर जैसा लिख दोगे कुछ भी। एरर का ये लिखा था मतलब ये हुआ कि यू डोंट हैव टू टाइप, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट, और सेलेक्ट करते समय एरर कैसे हो सकती है? बीच में मेरा इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड वो छूट गया। आप मुझे बताओ इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आजकल कस्टमर का इंटेलिजेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक चीज़ को खरीदने के लिए, हमने उस दिन आईपैड खरीदने के लिए 2-3 वेबसाइट को देखा था, हम लोग वहीं से खरीदेंगे जहाँ पे कॉस्ट। इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? कम होगा। बताओ फ्लिपकार्ट के कौन से पैसे बचे? फ्लिपकार्ट के पास में ना रेंट देना पड़ता है उसको, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कैरिंग कॉस्ट, ना वहाँ पे लेबर कॉस्ट, ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एक बार बोल के बताना वापस से, ए न्यू एंड व्हाट? ए न्यू एंड ग्लोबल मार्केट। अच्छे से बोलिए भाई, इफ द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम, इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर। आप मुझे एक एक करके बताओ, इन न्यू मतलब क्या? ध्यान से आप जवाब देना। क्या हम लोग नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं? जैसे मेरी बुक नए मार्केट में, अब लिखना चालू करिए, वहाँ पे एक एक पॉइंट का मीनिंग चालू करिए। न्यू मार्केट, एग्जांपल बुक ऑफ एसपी क्लासेस अवेलेबल एवरीवेयर। ग्लोबल मतलब क्या? ई कॉमर्स से बोलो साहब, ई कॉमर्स से हमारा बिजनेस, ऐसा कोई आपको ईबे और अमेजोन के बिजनेस में लगता है क्या? देखो एग्जांपल अमेजोन, उनका बिजनेस ग्लोबल है। अच्छा, इक्वल मार्केट किसके लिए बच्चों? अरे बोलो ना, ऐसे कैसे चलेगा यार? आप घर पे पढ़ते नहीं, मैं रिवाइज करता हूँ, आप पढ़ते नहीं, कभी तो कुछ शुरुआत करना पड़ेगी ना। ये पॉइंट्स भी याद करना जरूरी है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ भाई इक्वल मार्केट के बारे में क्या लिखोगे? लिखो फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस, फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। बताओ साहब, कॉस्ट ऑफ बायर, कौन सी कॉस्ट कम हुई बायर की? बायर का बोलो यार, अगर मैं मान लीजिए यहाँ से मूवी टिकट खरीदता हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन कॉस्ट, लिखो कम्युनिकेशन कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात बोले तो चलो टाइम का भी लिख दो, और इतनी लिखो लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। हमने उस दिन देखा था ना, इतनी कॉम्पिटिशन है इसलिए बायर को सस्ते में मिलता है। बताओ बच्चों, कॉस्ट ऑफ सप्लायर कैसे कम होगी? अरे सप्लायर, अरे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं ना। अगर मैं बुक मेरी ऑनलाइन बेच रहा हूँ तो मैं सप्लायर बन गया ईबे का, तो मेरी को तो कुछ कॉस्ट ही नहीं है, अपने को कुछ कॉस्ट नहीं है। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है या नहीं है? आप मुझे कोई जवाब दो, ये कॉस्ट ऑफ डिलीवरी किसके बारे में लिखा हुआ है? ये कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वैसा नहीं है जो प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन क्लिक करके डाउनलोड करते हैं ना, उसके बारे में लिख रहा है। जैसे एग्जांपल एंटीवायरस की सीडी है, या फिर कोई गेम आपने खरीदा हो तो आप क्लिक करते हो उसको डाउनलोड कर लेते हो, क्या वो अपने घर पे ला के देता है क्या? तो डिलीवरी कॉस्ट कम हुआ क्या नहीं हुआ? आप बोलेंगे डिलीवरी कॉस्ट तो लगता है, अगर आपने मोबाइल लिया तो घर पे आने तक का 50 रुपये तो डिलीवरी कॉस्ट हो जाएगा उसका। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट घर पे लाना पड़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लिक करके डाउनलोड, जैसे ई बुक्स, जैसे एंटीवायरस की सीडी, जैसे कोई गेम, इसके लिए अपने घर पे कोई लाकर नहीं देगा। आप क्लिक करो, आपकी ही वो कंप्यूटर में डाउनलोड होता है डायरेक्टली। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसके लिए कोई भी डिलीवरी कॉस्ट है या नहीं है? पर यही अगर आप कोई चीज़ सीडी और डीवीडी अगर मार्केट में जाके खरीदते तो उसको कितना कॉस्ट लगता है? देखो एग्जांपल
एग्जाम्पल व्हेन वी डाउनलोड एंटीवायरस गेम्स ई बुक्स e-books उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कम हुआ है नहीं होगा क्यों बिकॉज वेबसाइट अपने आप में क्या है लिखो वेबसाइट इटसेल्फ इज एन व्हाट वेबसाइट इटसेल्फ इज एन व्हाट एडवर्टीजमेंट ध्यान लगाओ एग्जामिनेशन पास मेरी आपको कुछ नहीं समझना सिर्फ फोकस कोई मतलब नहीं होना चाहिए दुनिया से आप बताओ कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल में लगा आपको बुक माई शो में लगता है लिखो एग्जाम्पल बुक माई शो हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है ऐसा लगता है कि नहीं हाँ बिकॉज ऑफ व्हाट लिखो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ बोलो साहब किसका अवेलेबिलिटी मल्टीपल वेबसाइट्स जितनी वेबसाइट्स अवेलेबल होगी आपका इंटेलिजेंस उतना ही बढ़ेगा रिड्यूस्ड ओवरहेड्स एग्जाम्पल लिखो फ्लिपकार्ट अब बताओ फ्लिपकार्ट की कौन सी तीन कॉस्ट कम हो गई जो बिग बाजार को लगती है और फ्लिपकार्ट को नहीं लगती लिखो वहां पे लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी हुआ लेबर हुआ रेंट हुआ एडमिन हुआ उसके बाद में लिखा है क्रिएटिंग व्हाट सॉरी रिड्यूस टाइम लिखा है रिड्यूस टाइम होता है क्या नहीं होता है एग्जाम्पल लिखो मूवी टिकट बुकिंग क्रिएट न्यू मार्केट ठीक है एक ही बात है आगे बढ़िए इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बोलो साहब कौन से हम लोग अब इकोनॉमिक इको फ्रेंडली हो गए बताओ व्हेन वी बाय ऑनलाइन देयर इज अ लेस यूसेज ऑफ व्हाट लिखो लेस यूसेज ऑफ पेट्रोल इकोलॉजिकल पे लिखना लेस यूसेज ऑफ व्हाट पेट्रोल पेपर्स एसी उसके बाद क्या लिखा है बताओ भाई आजकल ई कॉमर्स की दुनिया पर क्वालिटी क्यों इंप्रूव हो रही है लिखो बिकॉज ऑफ कंपटीशन बिकॉज ऑफ कंपटीशन बताएंगे साहब लेस एरर क्यों है लेस एरर इसीलिए है क्योंकि हमें टाइप नहीं करना पड़ता वी जस्ट हैव टू व्हाट लिखो बिकॉज वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट हाँ उसके बाद एक बार आप वापस से बोल के बताएंगे मैंने आज दो क्वेश्चंस लिए जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अच्छे से समझना साहब एक्सानेट के बताओ एक्सानेट को लगाने से पहले कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए फ्लेक्सिबल पार्टनर की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देखने को एक तो पहले फ्लेक्सिबल पार्टनर उसकी भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देखने को तो मजा तो आएगी तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ मीनिंग बोलो साहब चलो कब तक सोए रहोगे हाँ एक्सानेट को तभी लगाना जब एक्सानेट देखना मत साहब देखा तो फेल हो जाओगे फ्लेक्सिबल पार्टनर पार्टनर मतलब क्या फ्लेक्सिबल पार्टनर कम ऑन उसको पार्टनर को ऐसा सर्व करो जैसे वो फ्लेक्सिबल पार्टनर की इंटरेस्टिंग मतलब क्या उसको डेटा दिखाने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी ही इंफॉर्मेशन दूसरों को दिख जाए फ्लेक्सिबल पार्टनर की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मुझे बताओ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है एक्सानेट ने ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए विच विल बी हेल्पफुल फॉर व्हाट और बाद में क्या लिखा है इंटरनेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट
मतलब एक सनेट को लगाने के लिए यू डोंट हैव टू रोल आउट व्हाट द सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट शैल बी यूज. याद है ना ये. अब बताओ ई कॉमर्स के हमने बेनिफिट्स देखे. देखना मत, कसम में देखोगे तो. बोलो जल्दी से, ए न्यू एंड ग्लोबल. बोलो रे, इफ द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम इट्स मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी इन न्यू. बोलो साहब, न्यू मार्केट इन न्यू एंड ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन. न्यू एंड ग्लोबल मार्केट सबके लिए सेम होता है. इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ बायर सप्लायर एडवर्टीजमेंट डिलीवरी. ओके, कॉस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कम. कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बढ़ता है. इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड कम हो जाएगा. आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम. टाइम बोल तो टाइम कम लगेगा. टाइम इट मे क्रिएट क्रिएट न्यू मार्केट क्रिएट इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे. क्वालिटी क्वालिटी बढ़ेगी. एरर लेस एरर्स. सारे पॉइंट्स याद है. अदरवाइज डिफिकल्ट टू रिमेंबर. मोर्स ऑफ क्या लिख दिया हो ना. मोड्स ऑफ ईएफटी. बोलो बच्चों ईएफटी क्या होता है जो क्या नहीं होता. सपोज आई एम गोइंग टूवर्ड सम पर्टिकुलर शॉप एंड आई मेक पेमेंट बाय यूजिंग व्हाट हार्ड कैश. लिखो वहां में लिखो. इफ आई परचेज बाय मेकिंग पेमेंट इन व्हाट हार्ड कैश. हेडिंग पे लिखो. इफ आई मेक पेमेंट बाय यूजिंग If I make payment by using hard cash, it is EFT or it is not EFT? It's not EFT. बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप. बहुत आगे जाना है आज इस चैप्टर के अंदर. आज का लेक्चर 15 मार्क्स देगा. हाँ जी बोलिए साहब. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. वर्चुअल वाले बोलो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. उधर से आवाज आई क्या? ओके ऑसम. एक बार बोलो अच्छी आवाज आ रही. हाँ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अब तुम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलो. ट्रांसफर बोलेंगे. ओके 4, 3, 2, 1 स्टार्ट. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. आए हाय मिले सुर मेरा तुम्हारा मर. आए हाय बहुत रंग जमाया साहब. हाँ जी पाप को ट्रांसफर. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? Point of sale. A for what? ATM. P for pre. Authorize and transfer for what? नहीं transfer बोल तो telephone transfer. Fake नहीं कोशिश मत करो. Transfer बोल तो transfer. क्या transfer? A Vodafone. हाँ P for what? Come on. नहीं मुझे बताओ point of sale बोल तो क्या? जो debit card की machine है या credit card की machine है आपने उस पर अपना card swipe करा तो वो बन गया. बताओ मैं किसकी बात करूँ? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो बैंक को. बैंक विल मेक. ओ चिल चिल बेबी. प्री ऑथोराइज. हाँ उस दिन वोडाफोन से हमने इसकी बजाई थी. 10 रुपए का जो वो रिचार्ज था हमने मोबाइल से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया. क्या एटीएम से भी फंड ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ जी पेज नंबर 7. ओ ओ फो क्या लिख दिया उन्होंने. ओ माई गॉड. बोलिए साहब. 7 layers. क्या तुम्हें याद है दिन वो बड़े हसीन थे. बस 7 layers. ओए ओए क्या है? इधर देखो साहब. ए बोलो रे भाई 7 layer. नंबर 1, नंबर 2, सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड व्हाट. अब ध्यान से देखना. इधर मैं कुछ करने जा रहा हूं. ये है सेंडर
और ये हुआ रिसीवर। अब सेंडर जब रिसीवर को भेजेगा तो बोलो ना। नहीं नहीं, सेंडर रिसीवर को भेजेगा तो सीक्वेंस ये होगी, और जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो क्या है, फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, मतलब जाते समय ऐसे और उसको मिलते समय ऐसे फ्लो। तो एग्जामिनेशन में ज़रूर ड्रॉ कर देना, पहली बात तो ये है। उसको समझने के लिए आपको ये समझता है कि सेंडिंग के समय पे कैसा फ्लो होता है। तो ये जो बच्चा, ये सेंडिंग के समय का फ्लो है और ये रिसीविंग के समय का फ्लो है। रिसीविंग के समय एप्लीकेशन सबसे बाहर क्यों है, सबसे बाद में क्यों है? सब होकर वो मेरे सामने आएगा ना, और लिखते समय एप्लीकेशन सबसे ऊपर क्यों? बिकॉज पहले लिखूंगा तो जाएगा, लिखूंगा तो जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन ऊपर। बाद में आते समय एप्लीकेशन दिखेगा तो लास्ट में दिखेगा ना वो सबसे। एवरीवन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोले सर व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एप्लीकेशन सर, इसकी इट इज वेरी क्लोजर टू द यूजर। इसमें अच्छा, इसके ऊपर भी और जाएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ OSI, मतलब वहां से शुरुआत करें तो एग्जामिनेशन में और भी अच्छा रहेगा। भाई OSI क्या है? मैंने आपको बोला था, नाउडेज एवरी कंपनी इज लॉन्चिंग देयर मोबाइल फोन्स एंड देन व्हाट, लैपटॉप्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस, पेरिफेरल कार्ड्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट व्हेन दे आर हैविंग व्हाट, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। बट इफ यू हैव, कम ऑन गाइस, द कॉमन स्टैंडर्ड, बाय यूजिंग दैट कॉमन स्टैंडर्ड यू कैन कम्युनिकेट। देखो भाई, तुम डेल कंपनी हो, ये HP कंपनी है, ये दोनों ने अपने अपने हिसाब से कार्ड्स बनाए, तो इनका कभी कम्युनिकेशन दुनिया में हो नहीं सकता। तो ISO नाम के इस इंटरनेशनल बॉडी ने OSI नाम का एक कॉमन स्टैंडर्ड पैदा किया, बोला कि आज के बाद में डेल तुम अपने रूल्स को मत फॉलो करो, HP तुम भी अपने रूल्स को फॉलो मत करना। आप दुनिया में एक कॉमन लेयर फॉलो होगा, कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो होगा, जो दिया किसने, ISO ने बनाया गया, OSI। अब दुनिया में अगर जब आप इनके लेयर्स को फॉलो करता हो तो देर विल बी प्रॉपर कम्युनिकेशन, दो यू आर हैविंग डिफरेंट कॉन्फिगर्ड मोबाइल फोन्स और डिफरेंट कॉन्फिगर्ड लैपटॉप्स। एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ से शुरुआत होना चाहिए, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड। मतलब ये क्यों है, ये प्रोटोकॉल्स है, ये स्टैंडर्ड्स है, मतलब यही फ्रेम को फॉलो सिर्फ कोई भी नहीं, दुनिया की हर कम्युनिकेशन वाली कंपनी है। और कोई भी जैसे नेटवर्क अगर बात करोगे, एयरटेल या फिर आप बात करोगे वोडाफोन या BSNL या फिर डेल HP जैसा कोई, या फिर सैमसंग और एप्पल का फोन, ये कोई भी चीज़ें बनती है तो इट शुड बी डेवलप्ड एज पर द प्रोटोकॉल्स गिवन बाय व्हाट, OSI, दैट इज व्हाट ISO, पर उसका लेयर का नाम है OSI। एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आपने मस्ती करी और मस्ती करके आपने इन लेयर्स को फॉलो करे बगैर कुछ और फॉलो कर दिया, तो आपका मोबाइल किसी और से बात करने लायक, आपका लैपटॉप किसी और से कम्युनिकेशन होने लायक है ना, ऐसा हम लोग लिखते क्या पहले? चलो आ जाओ वहां पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा ना, उसके ऊपर हेडर पे लिख दीजिए, ऐसा नोट लिखिए, नोट ऐसा लिखो, नोट। इफ डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, wants to interact, it will be or it will not be possible? Bolo sir, it will not be possible. That's why, बताओ किसने स्टैंडर्ड डेवलप किए? ISO has developed, बोलो क्या साहब? कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच विल बी फॉलोड बाय all the networking companies, for smooth functioning of network. अब जो आपने तीन लाइन लिखी हो एक बार पढ़ लो,
पढ़ लो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करना उसमें। ये लिख लिया ना, अब एक बार जरा स्क्रीन पे देखना, ये सात बातें आपके सामने, और आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो कौन सा लेयर है जिस पे यूजर लिखता है? एप्लीकेशन। फिर बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेजेंटेशन। देखो जो मैं लिखता हूं ना वैसा नहीं जाता, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू आस्की, आस्की या फिर जो भी फॉर्मेट बैकएंड को समझता होगा, दैट विल बी डन बाय यूजिंग व्हाट प्रेजेंटेशन। Then what is the use of session? Session is there to create session between sender and the receiver. तो जब आपका hi hello chat चालू होता है किसी के साथ में, तो आपके और उनके बीच में एक session create होता है। जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक वो बंद नहीं होता, क्योंकि session layer takes the responsibility कि वो हमेशा चालू रहे। अभी तक तो सारी बातें clear है। उसके बाद में tell me what is the meaning of transport layer? Transport layer बोलता है कि मैं आपको आप बोलो तो मैं आपको लेकर जाता हूँ। पर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो TCP है या UDP, मतलब सिक्योर लेके जाना है या मतलब इनसिक्योर लेके जाना है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट डेटा। पर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोलता है, मैं आपको सिक्योर लेयर से लेके जा सकता हूँ, पर मुझे बताओ जाना कैसे है, बिकॉज मुझे समझता है, मुझे आपने बोला यहाँ पे जाओ पर मुझे पता नहीं जाते कैसे है। तो नेटवर्क लेयर बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास राउटर्स है, मैं आपको ठिकाने पर पहुँचाऊंगा। तो ये नेटवर्क हुआ। Tell me what is the use of data layer? See, the data cannot be sent directly, it has to be converted into the what? Data frames. So data frames mein convert karne ka kaam data ka hota hai. And what is the use of physical? Nahi nahi, data frames mein aane ke baad bhi data apne kisi ki bhi devices mein ja nahi sakta. Kyunki har ek insaan ke paas mein alag alag type ke devices hai. To yahan pe wo decide hoga कि लैंड कार्ड कैसा बनना चाहिए, केबल कैसे बनना चाहिए, स्विचेस कैसे होना चाहिए, हब कैसे होना चाहिए, मतलब ये एकदम फिजिकल डिवाइसेस का प्रोटोकॉल है। ये रूल्स है रे, रूल्स है रूल्स, इसी रूल से इसी माध्यम से इन्हीं को फॉलो करके ये नेटवर्क बनता है, और रिसीवर के पास में भी वैसे ही जाता है। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये ऐसे ऐसे क्यों किया था इन्होंने, ये ऐसा ऐसा क्या है? हमने उस दिन इमेज देखा था, दोनों के आमने सामने लाइंस देकर रखी थी, क्यों? नहीं नहीं, ये रूल सिर्फ सेंडर को फॉलो नहीं करना, अगर सेंडर अकेले रूल को फॉलो कर रहा है और रिसीवर इज नॉट फॉलोइंग तो कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। मतलब सेम रूल शुड बी फॉलोड बाय रिसीवर एज वेल एज व्हाट, देन ओनली देयर कुड बी व्हाट प्रॉपर कम्युनिकेशन। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग नाउ? परफेक्टली ऑल राइट। ये सात के नाम लिख सकते हो आप, लिखिए वहां पर। वो सेवन लेयर्स लिखा है ना, सेवन लेयर्स के नाम लिख दीजिए, आप देख के मत लिखो है। देखकर लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। सेवन लेयर्स बोल सकते हैं अभी, लिख लिया हमने, बोलो एक बार फिर से। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, सेशन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, आप चाहे तो देख सकते हैं आपकी बुक में टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स किधर है। आ जाओ बच्चों, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 124। ऐसा है क्या टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है क्या, 124 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, और कितने टाइप के बताओ?
Flipkart.com से डाला गया नया मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग अरे Flipkart.com से डाला गया नया मोबाइल है ऑनलाइन शॉपिंग अरे सिंपल ऑर्डर करो और घर बैठे फ्री डिलीवरी हो पर देखे बगैर पापा फ्लिपकार्ट पे जो दिखता है करो और घर बैठे फ्री डिलीवरी हो पर देखे बगैर पापा फ्लिपकार्ट पे जो दिखता है वही दिखता है पप्पू एक फोटो देख के शादी से पहले आपका भी सिर्फ फोटो ही देखा था ओके बोलो क्या है ये ए फ्लिपकार्ट है ये नहीं पूछा मैंने फ्लिपकार्ट है मैंने ये पूछा वो है क्या बी टू बी है बी टू सी है क्या ही है ना बी टू बी बोलो ना बोलो साहब छह टाइप के कॉमर्स होते बी टू बी बी टू सी सी टू बी सी टू सी बी टू जी बी टू कम ऑन बी टू बी सी टू बी सी टू सी बी टू जी बी टू ई ओके लिखेंगे छह नाम हो गया फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ इसके बारे में आप बताओ डेल ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा बी टू बी फ्लिपकार्ट ने हम सबको बेचा बी टू सी जहाँ पे हम इनिशिएट लेते हैं कि हमें ऐसा कुछ चाहिए जैसे ई वो देखा था ना फ्रीलांसर जहाँ पे हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा काम है क्या कोई करने वाला तो यहाँ पे इनिशिएटिव किसने लिया बताओ क्विकर एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बेचा आजकल हम लोग ई फाइलिंग करते हैं ये बी टू जी हुआ और आजकल हम लोग HRMS यूज करते हैं बोलो HRMS में क्या होता है HRMS में ये होता है कि एम्प्लॉइज अपने डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन से मांगता है और ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय की डिटेल्स HRMS के थ्रू देता है क्लियर नो तो बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब मैंने बुक माई शो से टिकट्स खरीदा बी टू सी या बी टू बी और मान लीजिए डेल ने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा बी टू बी है और बताओ वो क्या है OLX क्योंकि एक उस दिन हमने कुत्ते का काम किया था वो तो वो एक एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को भेजा वो सी टू सी था है ना बच्चों बताओ मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसर की सी टू बी और बी टू सी में क्या फर्क होता है मैं बोलता हूँ अगर मुझे बताओ ये मेरा सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा कोई बना कर देगा क्या तो ये सी टू बी है पक्का हाँ जी अब बताओ आजकल हम लोग गवर्नमेंट से हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं किसकी वजह से बी टू ये हमारा ऑलरेडी लिखकर हुआ था एडवांटेजेस ऑफ बी टू सी ऐसा लिखा है क्या अब आ जाओ देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बी टू सी वो भी लिख लिया आपने यहाँ पे 125 पर देखना क्या क्या लिखा है चार बातें लिखी थी उसकी बी टू सी की कितनी बातें हैं चार बातें बताओ कौन सी इसका मेमोरी नहीं लिखती क्या लिखो वहाँ पे FC रोड पे बस में आइटम जा रही थी इसलिए कस्टमर रिटेन हो रहे थे बी टू सी बेटा किसका बोलते पेज नंबर कौन सा ये सात क्वेश्चन नंबर 30 एडवांटेजेस ऑफ बी टू सी एडवांटेजेस ऑफ बी टू सी FC रोड पे बस में आइटम जा रही थी लिखो FC रोड बोलता अपना फर्ग्यूसन कॉलेज रोड बस में आइटम जा रही थी इसलिए कस्टमर रिटेन हो रहे थे बोलो राधे राधे हरिओम
बोलो बच्चों, एफ फॉर मतलब क्या? एफ फॉर व्हाट? फास्ट। कैसी आइटम होना चाहिए जो फास्ट हो? तो आप एक काम करना, लिख दो एफ इज इक्वल टू, वो फास्ट आपने लिखा होगा ना कहीं, वहां पे एफ कर दो। एफ सी, सी मतलब कॉल सेंटर में काम करने वाली हो, कॉल सेंटर के पास सी लिख दो। एफ सी रोड मतलब क्या? एफ सी रोड पे बस में। बी फॉर व्हाट? बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। हंसने वाली क्या बात है एक्चुअली। यू फॉर व्हाट? यू से कुछ नहीं है, एफ सी रोड पे बस में आइटम जा रही थी इसीलिए व्हाट, इसीलिए एक मिनट रुके। अभी कौन सा पॉइंट बचा है? अभी चेंज बताना है इंस्टेंटली। एफ सी रोड पे बस में इसलिए कस्टमर रिटर्न होता है। कस्टमर मतलब लिख दो वहां पे, कस्टमर का मतलब लिख दो चेंज, आई मीन चेंज के पास लिख दो कस्टमर। आइटम्स वगैरह कुछ नहीं अभी। अरे तो अभी वो नहीं है ना, अभी चार ही बचे ये ओल्ड। अरे आइटम वगैरह आप कुछ नहीं तो मैं कहां से लाऊं यार? एफ सी रोड पे बस में एफ फॉर क्या हुआ बताओ? एफ फॉर व्हाट? फास्ट हुआ। आपको कुछ भी बोलना तो बोलना, जो भी है। आइटम वर्ड क्यों लिया बीच में? ये सब आइटम के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एफ फॉर फास्ट, कैसी आइटम होना चाहिए? आप ये मत देखो मेमोरिटी ने क्या है, आप सिर्फ उसका आनंद उठाइए। आप ये मत सोचे सर ने कैसे बोल दिया, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना। और इतना सीधा मत बनो। हाँ, एफ फॉर व्हाट? ये तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, एफ फॉर व्हाट? फास्ट, मतलब आइटम फास्ट होना चाहिए। सी फॉर कहाँ पे काम करने वाली हो? एफ सी रोड पे बस में। बी फॉर व्हाट? बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? कस्टमर, जो ऐसी आइटम है जो बार बार चेंज हो सके, अपने आप को अपडेट करें। बोले एक बार वापस सारी बातें। अब आप एक काम करना, आप सभी को याद आएगा देखना। वैसे मेमोरी बहुत छिछोरी वाहियात है, पर ऐसी चीजें इंसानों को पसंद होती है। बताओ एफ फॉर व्हाट? कहाँ पे काम? सी फॉर व्हाट? कहाँ पे काम करने वाली हो? बी फॉर क्या अच्छा हो? और कस्टमर मतलब क्या करते हो बार बार? देखो बच्चों के चेहरे खुल गए यहाँ पे। बोलो वापस से एफ फॉर व्हाट? कैसी आइटम हो बच्चों? सी फॉर कैसी आइटम हो? कॉल सेंटर में काम करने वाली। कैसी आइटम हो? जिसका एक्सपीरियंस है। ओके, और लास्ट में क्या लिखा है? कस्टमर मतलब क्या? कैसी आइटम हो? खत्म हो गया। और अगला सवाल कौन सा? बेटा जान दे, जो भी है छिछोरी जैसी भी है यार, हमें याद होने से मतलब है। और कोई क्वेश्चन नंबर 31 हमारा अभी भी बचा हुआ है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 हमने लिख लिया क्या? मोबाइल कॉमर्स क्या होता है? टेल मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल कॉमर्स? अगर मैं कोई भी काम इसी मोबाइल फोन से कर लेता हूं, बताओ फिर ये मोबाइल कॉमर्स है तो ई कॉमर्स क्या है? अगर मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप से जो कॉमर्स करूंगा तो उसको आप ई कॉमर्स कहोगे। इफ द सेम कॉमर्स एक्टिविटी आई एम परफॉर्मिंग बाय यूजिंग दिस मोबाइल फोन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलो यारो, ये हो जाएगा आपका मोबाइल कॉमर्स। तो इसीलिए मैंने उस दिन यहां से कुछ रिचार्ज करवाए थे, यहां से रिचार्ज किया था। क्या मैं यहां से IRCTC की बुकिंग कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर ने एम कॉमर्स किया। मैं यहां से फ्लिपकार्ट बाय कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे एम कॉमर्स किया। मैं RedBus.in यूज किया तो आप बोलेंगे एम कॉमर्स किया। तो फिर एम कॉमर्स क्या नहीं है? इफ एनी कॉमर्स एक्टिविटीज डन बाय यूजिंग व्हाट, लैपटॉप और डेस्कटॉप, इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट? मोबाइल कॉमर्स। ये मोबाइल कॉमर्स इसका दौर चल रहा है। बताओ आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड है या एम कॉमर्स का ट्रेंड है? बस वो आपने लिखा था। बताएंगे व्हाट आर द इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाय व्हाट? एम कॉमर्स। उसका मेमोरी इतना फिट्स। बोलेंगे एफ फॉर व्हाट? एफ फॉर फाइनेंस। मुझे कोई एग्जांपल दो जो फाइनेंशियल सेक्टर में कोई, बोलो साहब, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई ऐसा एम कॉमर्स एग्जांपल ICICI। आई फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन भी हमें मोबाइल पे मिलती है, जैसे IRCTC है या फिर आप क्रिक इन्फो है, वो सब है।
FIT फॉर वॉट, टेली कम्युनिकेशन के लिए भी. क्या हम लोग उस दिन वो विद्या बालन वाला ऐड दिखे थे? क्या वो मोबाइल पे रिचार्ज कर रहे थे? मतलब वो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में भी एम कॉमर्स का यूज हुआ. एंड एस फॉर वॉट, क्या सर्विस और रिटेल में भी मोबाइल कॉमर्स का यूज होता है? एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट एंड वॉट ईबे. इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने, मुझे लगता है सब हमने खत्म किया. एक पेज नंबर 5 पर वल्नरेबिलिटी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो हमने कंप्लीट नहीं किया ना अब तक. नहीं खत्म किया हमने, पर लिख लिया था क्या आपने उसके सामने? वो लिख भी लिया था. ओके फाइन, अब इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए क्या? है ना 20? हाँ, कौन सा रिस्क वाला है क्या? 21 भी अच्छा है. 17 असिंक्रोनस सिंक्रोनस. ओके थर्ड, हाँ जी इधर आओ पहले. अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं वापस से. पेज नंबर 1 पे आइए. क्वेश्चन है 1 2 असिंक्रोनस. मैं आप एक दो तीन क्वेश्चन पढ़ा दूँ क्या? रिवीजन थोड़ा सा रुकते हैं अभी, मैं पढ़ा देता हूँ पहले, फिर बाद में और रिवाइज करेंगे. जो जो क्वेश्चंस बचे थे हमारे, अब वो क्या क्वेश्चन बचा था? एक था वो एक 8 स्टेप से देखो कहाँ पे है वो, और एक असिंक्रोनस सिंक्रोनस भी था. पेज नंबर 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 पर. और इसी को आपके बुक में भी लिखा हुआ है. पेज नंबर 103 पर असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस आपको दिख रहा होगा. बहुत ही बात सिंपल है, अब ध्यान देना इमीडिएटली समझ में आएगा. ये रहा असिंक्रोनस और ये रहा सिंक्रोनस. बताओ सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये ध्यान से देखना इधर, आप देख रहे हो ना? बस बहुत टाइम नहीं लगेगा समझने में, एकदम अच्छे से समझना. ओके असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, असिंक्रोनस देखना इधर, इधर देखो. मैंने आपको सभी को एक चीज़ कही थी कि जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो हमेशा 0-1 के फॉर्म में ही होता है. हाँ है ना? अब 0-1 के फॉर्म में होता है तो क्या होता है कि हर समय एक बाइट ट्रांसमिट होगा. बाइट तो क्या करते हैं, देखो ये बाइट देखना है यहाँ पे, 0 1 0 1 0 1 0, मान लीजिए एक बाइट है. तो हम लोग क्या करते हैं, इस बाइट के पहले और इस बाइट के बाद में, अब जैसे ये स्टार्ट बाइट है, इसको मैं अलग कलर लेता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट है और ये स्टॉप है. हमने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, इसको मैं स्टार्ट लिखता हूँ, इसको मैं स्टॉप लिखता हूँ, वापस मैं स्टार्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, फिर वापस वो बाइट चालू होगा 1100 1100, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप. अब मैं वापस से एक स्टार्ट लिखता हूँ 1111000, और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ये हुआ स्टार्ट. क्या कर रहे हो आप ऐसे? ये जो है आप मुझे बताओ, ये भी एक भेजने का तरीका है. मुझे बताओ ये क्या तरीका है, क्यों करें ऐसे स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप? हर बाइट के पहले स्टार्ट, हर बाइट के बाद में स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप क्यों? हर बाइट के पहले और हर बाइट के बाद में आपने स्टार्ट और स्टॉप को क्यों लगाया था कि रिसीवर को यह समझे कि बाइट चालू कहां पे हुआ था और खत्म? तो सर ये मतलब ट्रांसमिशन होगा क्या ऐसे? हाँ हाँ हाँ, इसके पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे और चाहे तो लिख सकते हैं कि ये सेंडर है, और ये लिख सकते हैं ये रिसीवर है. तो सेंडर जब रिसीवर को भेजेगा तो हर बाइट के पहले और हर बाइट के बाद में एक स्टार्ट और स्टॉप की बीट लगेंगे. आप बोलेंगे क्यों लगाए? अगर बगैर स्टार्ट और बगैर स्टॉप के लगाए भेजता तो रिसीवर को शायद से समझता ही नहीं कि बाइट चालू किधर हुआ और खत्म किधर हुआ. समझा क्या? उसके लिए स्टार्ट और स्टॉप के बीट्स लगाइए. क्लियर एवरीवन? यस सर. ये हुआ असिंक्रोनस या सिंक्रोनस? ये हुआ असिंक्रोनस.
क्रोपनस, समझ गया? इसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूं सिंक्रोनस, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, पहले आप सिंक्रोनस समझ लीजिए। ये है सिंक्रोनस। इसमें भी सर क्या, इसमें भी बाइट बाइट जाता है? हम ना, इसमें भी बाइट बाइट जाता है। 001 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, रोको मत मुझे, 0 0 0 0 1 1 0 0, ऐसा करते करते यहाँ पे। सर अभी क्या करोगे आप यहाँ पे? मैं देखो कितने जीरो निकालूँ, 0 0 0 0 0 0 0, और एक ने बेटा आटे होंगे, और एक क्या खेल थोड़ी ना, और एक लगा दो। तुम्हारा क्या है? स्टार्ट किया, स्टॉप किया, स्टार्ट किया। ओ सर क्या ही है, क्यों करते हो यहां? सर यहां पे है, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप हर बैट के पहले, हर बैट के बाद में, और यहाँ पे सबके पहले सबके बाद, क्यों? अगर आप देखोगे इस जगह पे तो पूरे ब्लॉक ऑफ बैट के पहले, ब्लॉक ऑफ बैट के बाद में स्टार्ट और स्टॉप। सर फिर इस केस में तो रिसीवर को समझेगा ही नहीं, ये थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको सिंक्रोनस अच्छा लगता है असिंक्रोनस? नहीं, आपको सेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, रिसीवर के, कहां पे रिसीवर कंफ्यूज हो सकता है एक बार? आप मुझे बताओ, दो शब्द बोलने के बाद में या लिखने में हम लोग उसके बीच में स्पेस छोड़ते हैं, वो स्पेस नहीं छोड़ी तो क्या होगा? रिसीवर हौले जैसा करता है, बगैर स्पेस दिए कोई चीज अगर पढ़ते तो आपको लगता नहीं रिसीवर हौले जैसा करेगा? तो आपको लगता नहीं इस केस में कहां पे रिसीवर के स्कोप है हौले जैसा करने के? सिंक्रोनस में, क्योंकि वहां पे हर बाइट के पहले और बाद में आपने स्टार्ट स्टॉप नहीं लगाया, पूरे एक सेट ऑफ बाइट्स के पहले और सेट ऑफ बाइट्स के बाद में आपने काम किया। अब आगे और कहानी में ट्विस्ट। अब क्या होगा यदि मान लीजिएगा ऐसे हुआ, मान लीजिएगा ऐसे हुआ, ये एक बीट, ये जो वन था, ये वन डिलीट हो गया, डिलीट हो गया रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देयर वाज सम प्रॉब्लम, एक बाइट का एक बच्चा डिलीट हो गया और दूसरे का इधर। अब मुझे बताओ हर बाइट का आठ ही होना चाहिए, इसको लेते तो आपको और समझ पाएगा। मान लीजिए ये चार बीट्स उड़ गए, 0 0 1 1 उड़ गए, तो आपको क्या समझ बैठेगा ये सब? सर उसको क्या लगेगा, ये जो चार है, ये जो चार है, ये जो चार है, ये उसको लगेगा इसी के है। अब एक्चुअल में इधर क्या था, 0 0 1 1 0 0 1 1, अब इस बाइट के चार बात के बाद खत्म हो गया, ट्रांसमिशन में लॉस हो गया, तो उसको लगेगा ये जो चार है वो भी इसी के ही है। तो अब वो क्या करेगा, इसको वो ऐसा समझ बैठेगा 0 0 1 1 1 1 1 1, उसको लगेगा यही सही है। अब आप बोलेंगे इधर चार ही बचेगा, तो इसको क्या बनाएगा, 0 0 0 0, और इसके चार इधर ले लेगा 0 1 0 1, वो उसको ऐसा लगेगा ये है। फिर आप वो इसको क्या बनाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 1, फिर आप बोलेंगे आखिरी वाला, उसको लगेगा जो आखिरी वाला है वही खराब है। तो क्या मान चलेगा, हर पहले वालों को सही मानेगा और राज को बोलेगा कि लास्ट का बाइट खराब है। आपको लगता नहीं इसकी वजह से देयर विल बी मिस कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन? बच्चों इस तरह से कभी भेजना बात जो भेज रहे हो आप, इट इज नॉट द राइट मेथड, बिकॉज यहाँ पे हर बाइट के पहले और हर बाइट के बाद में स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं हो सकता है, रिसीवर मे बी व्हाट, कंफ्यूज्ड। हे गाइस आर यू देयर? या तो ये था हमारा सिंक्रोनस, पर अगर आप बात करोगे असिंक्रोनस की, तो असिंक्रोनस में ये लफड़ा नहीं है, क्योंकि असिंक्रोनस में हर बाइट के पहले, हर बाइट के बाद,
हर देखो ये पहले लगा दिया बाद में लगा दिया, पहले लगा दिया बाद में लगा दिया, मतलब क्या हुआ, रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड बाइट चालू कहां पे और बाइट खत्म कहां पे। हे गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे और एक बात कहना है, मुझे बताओ टेल मी विच वन इज मोर सिक्योर, असिंक्रोनस या सिंक्रोनस। क्योंकि यहां पे बहुत सुरक्षितता के साथ में हर एक कैरेक्टर को इज्जत दी गई। एक बच्चा मुझे क्लास में क्या पूछो, सर ये स्टार्ट और स्टॉप बिटो तो 0-1 है, एक्चुअल में तो 0-1 है, फिर रिसीवर को कैसे समझेगा कौन सा सिक्योरिटी वाला 0-1 है और कौन सा नॉर्मल 0-1 है। मैंने कहा बेटा नॉर्मल डेटा का 0-1 इसका जो साइज है, मतलब अगर आप बीट्स के साइज की बात करो, MBKB की बात करोगे, तो इसकी साइज है कंपेरेटिवली स्टार्ट और स्टॉप बीट्स के साइज से बहुत कम होती है। किसकी साइज, मतलब ये जो 0-1 है और ये जो 0-1 है इनके साइज में फर्क होता है। तो मतलब इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड कि ये जो 0 है ये नॉर्मल 0 नहीं, ये सिक्योरिटी वाला 0 है। हाँ, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड किसको, रिसीवर को। आप मेरा और एक सवाल है, ये सर हम लोग असिंक्रोनस से भेजते कि सिंक्रोनस से, ना आपको समझा आज तक ना मुझे समझा, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। आपको मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे आता है, हाई हेलो, कभी आज तक समझा आपको, ना हमको समझना है ना हमको समझा था। एग्जामिनेशन में ये पूछा असिंक्रोनस क्या है, तो लिखने का सिंक्रोनस क्या है, आप दिमाग मत लगाए, प्रैक्टिकल जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है ना कोई अर्थ है। वो जो लिखा है सिर्फ एग्जामिनेशन में पूछा तो ऐसा लिखना है, असिंक्रोनस बोल तो अच्छा, सिंक्रोनस बोल तो अच्छा नहीं। किस सेंस में, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल और, बोलते हैं असिंक्रोनस ही बहुत भारी है, कैसे, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई बीट अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है, अनवांटेड बीट्स, यहाँ पे देखो ये जो स्टॉप है और ये जो स्टार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बीट इंट्रोड्यूस हुआ 0, आप मुझे बता वो रिसीवर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, उसको समझेगा ये स्टॉप के बाद में आया है और स्टार्ट के पहले आया है, तो ये तो गलत ही हुआ, क्योंकि स्टॉप के बाद और स्टार्ट के पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब डोंट यू थिंक रिसीवर विल इग्नोर इट। पर वही अगर बीट अगर 0 यदि इस केस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे अलग कलर में देता हूँ ग्रीन, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो रिसीवर मान बैठता ये भी एक्चुअल मतलब डेटा का 0 है, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर वहाँ से बीट्स लॉस भी होते हैं और बीट्स ऐड भी होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सिंक्रोनस मेथड को। पर आप मुझे बताओ सिंक्रोनस की मैंने बहुत तारीफ की, एक डिसएडवांटेज बता दो, सॉरी सिंक्रोनस की मैंने बहुत डिसएडवांटेज बताए, आप मुझे एक एडवांटेज बताओ सिंक्रोनस के। सिंक्रोनस में हर बाइट के पहले हर बाइट के बाद में स्टार्ट और स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, डोंट यू थिंक इट विल बी मोर फास्टर। पर अगर असिंक्रोनस के पास देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज व्हाट, इट इज वेरी वेरी स्लो। बोलो क्यों, बिकॉज हर बाइट के पहले और हर बाइट के बाद में आपने क्या लगा दिया, स्टार्ट और स्टॉप लगाया, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वेरी वेरी स्लो। टेल मी विच वन विल बी वेरी वेरी सिक्योर्ड, असिंक्रोनस विल बी वेरी वेरी सिक्योर। अगर आपको बहुत वॉल्यूम का डेटा भेजना है और जल्दी भेजना है, यू शुड यूज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, यू शुड गो फॉर व्हाट, सिंक्रोनस। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना मुझे पूछो ना आईसीए को पूछो, इसका रियल लाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी में कोई है। आपने आज तक ईमेल भेजा है, आपको मालूम चला कि असिंक्रोनस से गया कि सिंक्रोनस से, और मालूम भी होता तो क्या कर लीजिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस, यू जस्ट हैव टू रीड इट लाइक दिस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा आंसर खत्म हुआ, लिख दीजिए फास्ट, ये चिट्ठी ड्रॉ करिए पहले असिंक्रोनस और सिंक्रोनस की। पेज नंबर कौन सा है आपके कलर नोट्स पे, पेज नंबर 103 वहाँ पे चिट्ठी ड्रॉ कर दीजिए बस। ड्रॉ करिएगा, हो गया क्या, इज इट ओवर,
रौद्रनाथ क्या कर रहे हो? ओवर क्या ये खत्म हुआ तो फिर मैं नहीं चले जाऊँ उसको। और अभी अंदर के कौन से 010 ने वो कॉपी करके मत लिखो, कुछ भी लिखे रैंडमली। हर चीज़ जो दी है वो कॉपी करने का मतलब नहीं होता। ढोगलो उसको भी देख रहे सर ने कौन से 0 के बाद में कौन सा 1 लिखा। आपको समझ रहा है कि वो रैंडम कुछ भी है? कमाल करते हो। हो गए क्या? ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करो। क्या बेटा? ओके अरे बस भाई, बहुत दर्द है आपके सीने में मालूम है। रोको मत बोल तो क्या बोलते हैं, रोको मत आज। अच्छा उसके बाद में आज सिंक्रोनस सिंक्रोनस का एक डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है। देखिए साहब क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ आपको देखना है बुक में। असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस में पढ़ रहा हूँ आपके बुक से। 104 पर क्या लिखा, एक मिनट सभी लोग देखिए, ध्यान लगाए। ईच डेटा वर्ड इज अकम्पनीड बाय वर्ड स्टार्ट एंड स्टॉप इट, कहाँ पे बच्चों? और सिंक्रोनस में क्या लिखा, अलाउज कैरेक्टर्स टू बी सेंड डाउन वर्ड द लाइन विदाउट वर्ड, हाँ विदाउट, कम ऑन एवरीबॉडी अंडरलाइन द वर्ड विदाउट। तो मतलब यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप इट होते हैं क्या नहीं होते? होते हैं।
पर आफ्टर एंड बिफोर एवरी ब्लॉक ऑफ बाइट उसमें क्या लिखा है बताओ, कौन क्या लिखा है, कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, असिंक्रोनस स्लो है या फास्ट है? तो अंडरलाइन कर दो स्लो, और सिंक्रोनस होगा फास्ट, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप बिट ज्यादा नहीं होते। कौन सा आप मुझे बताओ, कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा, ये कैसा डिसाइड होगा? आपने आपसे एक सवाल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मुझे बताओ सिंक्रोनस का और असिंक्रोनस का किसका रिसीवर होना चाहिए स्मार्ट? समझने के लिए कौन समझदार ज्यादा होना चाहिए, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? टेल मी व्हाई सिंक्रोनस शुड बी मोर स्मार्टर देन व्हाट असिंक्रोनस, बिकॉज द सिंक्रोनस असिंक्रोनस में तो सब कुछ वैसे भी लिख के दिया हुआ है कि स्टार्ट कहां से स्टॉप कहां पे, तो इसके लिए रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी स्मार्ट, बट एज पर एज व्हाट द सिंक्रोनस इज कंसर्न द रिसीवर शुड बी स्मार्ट, बिकॉज बोलो क्यों, because start and stop bits are not predefined, that's why receiver should be very smart to understand from where bit is starting and where from where the byte is getting end, वैसा उसको समझना चाहिए। so कौन सा expensive हुआ, synchronous, और कौन सा expensive नहीं हुआ, वही लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है बताओ, कौन सा more reliable, कौन सा less reliable? asynchronous will be more reliable क्योंकि वहां पर start और stop bit हर byte के पहले और हर byte के बाद में use होता है ना बच्चों, खत्म हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन बचा था मेरा, वो नेटवर्क वाला क्वेश्चन बचा है ना, आइए वहां पे पेज नंबर 112 पर। एक क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके बारे में। हाँ जी, नहीं नहीं समझना होगा, चिंटी कॉन्सेंट्रेट। बताओ बच्चों, नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए क्या नेटवर्क की सिक्योरिटी करना जरूरी है? बताओ हमारे दुनिया में कौन से चार थ्रेट्स है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल, दोस्तों बताओ वो कौन से थ्रेट है जिनको मैंने ऑथराइज एक्सेस दिया और उन्होंने ही मेरे यहां, दैट इज व्हाट इंटरनल, व्हेन ऑथराइज एक्सेस वाज नॉट गिवन बट स्टिल ही हैज कमिटेड एक्सटर्नल, टेल मी व्हिच वन इज व्हाट इंटेंशनली कमिटेड structured and which was what done unintentionally unstructured, kahan pe malicious intention nahi hota unstructured। aapse sawal hai, itne sare threats se aapko lagta nahi security karna zaruri hai, to security even nahi hoti, security karne ke liye ek plan karna hota hai, aur bachcho yahi raha wo plan aapke samne up screen ke upar, is plan mein likh diya ki security karna hai to 8 steps ko follow karna zaruri hai। sabse pehle aapse sawal hai, क्या आपको लगता है इतने सारे थ्रेट है तो सिक्योरिटी करना जरूरी है? क्या आजकल हमारी डिपेंडेंसी नेटवर्क के ऊपर बढ़ रही है? क्या नेटवर्क बंद तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद? हाँ या ना? अरे सारा डेटा हमारा कहाँ पे आजकल रखा हो, कल भी हमने कौन से बड़ा क्लाउड, और क्लाउड से डेटा तभी आएगा जब हमारा नेटवर्क चालू है और जब नेटवर्क सिक्योर है। सो डोंट यू थिंक प्रॉपर मेजर शैल बी टेकन फॉर द सिक्योरिटी एवरीबॉडी? सो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, सिक्योरिटी करने के लिए वी आर सपोज टू फॉलो व्हाट, हाउ मेनी स्टेप्स, 8 स्टेप्स। देखते हैं आपको कितना इसमें से समझता है। मेरा सबसे पहले आपसे पॉइंट है, क्या प्लानिंग करना जरूरी है? टेल मी व्हाई प्लानिंग, क्या आप करोगे आप प्लानिंग में? डायरेक्टली सिक्योरिटी कर दो, व्हाई टू मेक प्लान्स? नहीं नहीं करो ना, मुझे बताओ सिक्योरिटी करना क्यों, सिक्योरिटी के लिए प्लान करना जरूरी है क्या? सर प्लान करना मतलब क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास देखना क्या क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्लान करेंगे मतलब आप क्या बनेंगे, टीम्स बनाएंगे। प्लान करेंगे बोलते तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप कितना है। सर स्कोप क्यों जानना है बच्चों? अगर आपको यही पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है तो आप सिक्योरिटी कैसे करोगे? मैंने बोला जाओ बच्चों सिक्योरिटी करो, आप ये तो मुझे पूछोगे ना सर ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितने ब्रांचेस है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने कितने सेंटर्स हैं, दैट इज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट। क्या आपको लगता नहीं इनको ये पता होना चाहिए इस टीम को? क्या आपको ये भी लगता है टीम बनाना ज़रूरी है? और टीम ही नहीं होगी तो काम कौन करेगा? तो
तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले टीम बनाएंगे और टीम के सारे लोगों को पता होना चाहिए कि कितने टाइम में, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कितने टाइम में बना था, अकॉर्डिंगली प्लान बनेगा। तो टाइम, और उनको ये भी पता होना चाहिए हमारे पास कितना बजट है, ये सारी बातें उनको पता होना चाहिए। साथ में उनको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एंड वाई सिक्योरिटी इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ये सारी बातें आपको प्लान में डिसाइड करना पड़ती है। अभी तक प्लान बनाया कि नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया, ये सिर्फ प्लान करने के लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ये हमने अभी तक समझ ली। अब मुझे बताओ हमें करना क्या है, नेटवर्क के सारे असेट्स को बचाना है, ये तो पता होना चाहिए। टीम बन गई, सब बन गई, मैंने बोला ए टीम जाओ रे बचाओ रे, कहेंगे सर अब बताओ पॉइंट नंबर टू क्यों ज़रूरी है, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, क्या आपको पता ये पॉइंट ज़रूरी है, टेल मी व्हाई दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए असेट्स को जानना जरूरी है क्या, टेल मी व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट असेट्स वी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने बोला जाओ बच्चों जाके बचाओ, तो आप यही पूछोगे सर किसको बचाना है, मैंने बोला जाओ बच्चों बचाओ बचा लो उनको, सर किसको वो मत पूछना सिर्फ बचा लो, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज टू बी प्रोटेक्टेड। तो इसलिए पॉइंट नंबर टू पता होना चाहिए आपको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से, तो अगर ये सब जरूरी है मुझे बताओ नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती है। असेट्स बोल तो क्या क्या होगा सर, असेट्स बोल तो हमारे पास में हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा और नेटवर्क के सारे डिवाइसेस होंगे, डिवाइसेस जैसे राउटर ब्रिज और स्विच ये सब होगा। अंडरस्टूड क्या दिस, अब बताओ मुझे व्हाट इज पॉइंट नंबर थ्री, अभी आराम से पॉइंट नंबर थ्री पढ़ना और मुझे बताना व्हाई पॉइंट नंबर थ्री इज रिक्वायर्ड। पढ़िए सब पॉइंट नंबर थ्री, पढ़िए आपकी बुक से, अरे वैसे हेडिंग में लिखा हुआ है सारे एसेट्स का इवैल्यूएशन होना चाहिए, आपको बताना है क्यों। हाँ जी कुछ बोलेंगे, अच्छा कोई वर्चुअल से जवाब देगा ये क्यों जरूरी, फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट बेंच पे कोई है क्या, हाँ जी माइक देना जरा, हाँ हेलो हेलो जी कैसी हो आप, कौन है सृष्टि जी, कब है अटेम्प्ट आपका 15 14 ओहो बोलिए सृष्टि जी, हाँ कैसे हो सकता है, सृष्टि जी का मानना है कि अगर जब तक हमें ये पता नहीं हो कि किसकी वैल्यू कितनी है, हम उनको पहले बचा लेंगे जो कीमती नहीं थे और वो रह जाएंगे जो बहुत कीमती है। क्या सृष्टि जी हमारे घर में भी ऐसा ही होता है क्या, कभी कभी खड़े हो जाइए अभी के अभी, खड़े हो जाइए वहां पे इमीडिएटली स्टैंड अप, हाँ आपने दिल को दुखाया, क्या कभी कभी होता है ढोकली, एक मिनट बस हद होती है यार, आप आपके घर में क्या हर चीज का इक्वल प्रोटेक्शन है, नहीं एक मिनट बोलने दीजिए बस, आपने जो बोलना था बोल दिया, आप दिल को दुखाया आप जानती भी हो, आपके घर में जो ज्वेलरी है, आपके घर में जो हार्ड कैश है, आपके घर में क्लोथ्स हैं और आपके घर में आपके जूते चप्पल हैं, क्या सबकी सिक्योरिटी आपने एक जैसी दे रखी है, क्या आप अभी बोलो ना कभी कभी बोलो, आप तो पहले कह रहे थे कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, एक काम करो ना आज के दिन एक काम करिए, आपने ये घर में बताइए किसको ज्यादा सिक्योरिटी दी है आपने, बोले सृष्टि जी किसको ज्यादा सिक्योरिटी दी है आपने, नहीं तुम रुको रहे दो बड़े लोग बात करे, बोलो सृष्टि जी उनको ना, और वो बेचारा अब देखो
और जूते चप्पल को बिल्कुल आपने घर के बाहर रखा होगा, मतलब कपड़े भी आपके, ज्वेलरी भी आपकी, जूते चप्पल भी आपके, ये ऐसा भेदभाव आपके दिल में क्यों है? एक काम करिए ना, आज के दिन उल्टा ट्राई करिए। नहीं बस एक, मैं आज के दिन सिर्फ एक काम करिए, घर जाइए और वो जो ज्वेलरी उसको बाहर रखिए, जूते चप्पल को अंदर डालिए लॉकर में, सिर्फ एक दिन के लिए। मेरे बोलने पर उतना तो करोगे आप? एक दिन भी नहीं कर सकते आप ऐसे? नहीं। क्यों? बोलो साहब, क्या आपको लगता है सारे असेट्स के वैल्यूज, ये सारी चीजें किताबों में आ गई तो कॉन्सेप्ट हो गई साहब, जो हमारे घर पे तो हम लोग ये चीजें बचपन से सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। ज्वेलरी को हमने बचपन से लॉकर में देखा है, जूते चप्पल को बेचारों को हमेशा बाहर ही देखा है। चीजें हमारी होकर भी इस तरह से भेदभाव आपके दिल में क्यों है? आखिर क्यों? बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 3। समझ रहे हो? ओए ओए, क्या बोल रहे हो तुम वर्चुअल वालों? सृष्टि जी आप सेफ हो ना वहां पे? कुछ तो आप सब ठीक है ना वहां पे? हाँ जी, हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे हमारे घर में अलग अलग चीजों की अलग अलग वैल्यू होती है, वैसे नेटवर्क की दुनिया में भी अलग अलग कंप्यूटर की वैल्यू, कीमत। सो बताओ, डोंट यू थिंक मोर वैल्यूएबल कंप्यूटर, मोर वैल्यूएबल डिवाइस शुड गेट मोर प्रोटेक्शन? तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 करना जरूरी है। अरे भाई, प्रोटेक्शन कर रहे हो इसका मतलब नहीं हर चीज को इक्वल लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए। ज्यादा कीमती चीजों को ज्यादा प्रोटेक्शन और कम कीमती चीजों को, इसलिए इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया। आप मुझे बताओ, व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? हाँ जी, कोई जवाब देगा मुझे कि थ्रेट को जानना क्यों जरूरी है? वर्चुअल में कोई है? टेल मी, अगर असेट्स का वैल्यूएशन कर लिया तो थ्रेट्स को क्यों जानना जरूरी है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स? है कोई? थ्रेट्स को मुझे सिक्योरिटी करना है तो थ्रेट्स को क्यों जानू मैं? आप बोलेंगे, बोलिए। थ्रेट्स कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सीडेंटल, डेलिबरेट, कुछ भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से हमने अपने पीसी को करना, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप मुझे बताओ, मैं थ्रेट्स को नहीं जानूंगा, नहीं आइडेंटिफाई करूंगा। आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई, आई डायरेक्टली वांट टू प्रोटेक्ट। एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, मुझे बोलने दीजिए साहब। आपका नाम मैं भूल गया, नुसरत जी। खड़े हो जाइए, जनता आपको देखना चाहती है इस वक्त। आए बताओ उधर क्या बात और रहे, हमको भी बताओ बेटा, भेजता हूँ उधर, हमको भी बताओ, भेजता हूँ बेटा, आ रही है। नुसरत जी जाते समय आपको बाय बोल के जाएगी। नुसरत जी मुझे बताइए, क्या आप मानती हो कंप्यूटर की दुनिया को बहुत सारे थ्रेट्स है, जैसे वायरस है, जैसे फायर है, वर्म्स है, हैकिंग है, और दुनिया भर के सारे थ्रेट्स आप देखते हो, वो सारे सारी चीजें आजकल कंप्यूटर के साथ में हो रही है। क्या आपको लगता है थ्रेट्स को जानना जरूरी है? बिल्कुल सही बोल रहे, बहुत आगे जाओगी आप। इनका मानना है सब, जैसा थ्रेट होगा सिक्योरिटी उस हिसाब से होगी। अगर आपको यही मालूम नहीं कि दुनिया में वायरस नाम का कोई थ्रेट है तो आप आंटी के बारे में सोचोगे ही नहीं। अगर आपको दुनिया में पता ही नहीं चला कि फायर नाम का थ्रेट है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो यू शुड नो व्हाट आर द थ्रेट्स, राइट? देयर आर सो मेनी थ्रेट्स नाउडेज टू द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट व्हिच वी शुड अंडरस्टैंड, राइट? इफ यू डू नॉट नो थ्रेट्स, हाउ विल यू प्रोटेक्ट एंड व्हाट विल यू प्रोटेक्ट, राइट? आपको थ्रेट्स मालूम होना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 इज ऑल्सो वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। कोई है जो जवाब दे? इससे अच्छा कुछ नहीं है अभी दुनिया में। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर, टेल मी व्हाई वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। क्या आपको लगता है? बहुत सारे थ्रेट्स है, मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। ए सुनो ना,
मुझे बहुत कुछ कहना है, ये थ्रेट है और थ्रेट की मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फायर, अर्थक्वेक, वायरस, अनऑथराइज एक्सेस, फ्लड और बहुत सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें। ओ सर, ये थ्रेट में आपने फायर वो सब क्यों लिखा? बेटा फायर अगर इंसानों के लिए थ्रेट है तो कंप्यूटर के लिए भी है, अर्थक्वेक अगर इंसानों के लिए थ्रेट है तो कंप्यूटर के लिए भी। आप मुझे बताओ, ये सारे थ्रेट है, मान लीजिए आपके पास में 100 थ्रेट्स आपने ढूंढ लिए, 100 थ्रेट्स आपके कंप्यूटर को है, तो मुझे बताइए, मेरा मानना है थ्रेट्स के बाद में डायरेक्टली आप कर दो कंट्रोल। नहीं नहीं, मुझे आज कंट्रोल ही करना है डायरेक्टली थ्रेट्स के बाद में, मुझे ये प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर नहीं करना है। कोई है जो मुझे समझाएगा प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर? एक्सपोजर का मतलब तो बताओ सर, एक्सपोजर का मतलब है एक्सटेंट ऑफ लॉस। आप मुझे बताओ कि थ्रेट के बाद में कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? जैसे मेरा क्या मानना है, वायरस थ्रेट है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे एंटीवायरस लगा दो। ये बीच वाले दो पॉइंट की जरूरत है। कोई शख्स जो मुझे समझाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर ओवर हियर? कहां से आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका इस वक्त? हाँ विशाल, इस वक्त हमारे सामने विशाल लाइन पर है। एक मिनट हो गया। हाँ जी, आप ये मानते हो कि हर थ्रेड की प्रोबेबिलिटी अलग है? ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय फायर होगा। हाँ अरे एक मिनट यार, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं जी। किसकी संभावना ज्यादा है फायर की? हाँ नहीं नहीं, इतना घुमाइए मतलब हमें, जनता गुमराह हो रही है। वायरस एंड अर्थक्वेक, बोलिए किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो क्या आपके हिसाब से वायरस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो आपके हिसाब से मतलब वायरस को बचाना चाहिए? मतलब वायरस को ही बचाओगे आप, अर्थक्वेक को नहीं बचाओगे? नहीं बात नहीं नहीं विशाल जी, बात क्लियर कर लीजिए, वायरस को बचाएंगे अर्थक्वेक को बचाएंगे? मतलब अर्थक्वेक को नहीं बचाएंगे? एक ही बात करो साहब, दो दो बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। वायरस अर्थक्वेक, आप एक ही बात बताइए। इधर आप क्या क्या बोलना है वर्चुअल वालों, वायरस या अर्थक्वेक? दोनों बोल बेटा, वायरस। मतलब आपके मुताबिक अर्थक्वेक की कोई इज्जत नहीं है? आपके जैसे ही लोग थे, रुकिए, उत्तराखंड में, मैं तो पहले वहीं रहता था वहां पे, नहीं एक मिनट आज बोलने दीजिए। फ्लड आने से पहले मैं उत्तराखंड की विजिट पर था, एक मिनट। वहां पे जब मैंने लोगों से पूछा फ्लड आने से पहले, बताओ वायरस को बचाएंगे या फ्लड को? बोले वायरस को। मैंने कहा क्यों? बोले वायरस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैंने कहा फ्लड को भी बचा लो, उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बोले फ्लड होता कब है? 100 साल में एक बार। बेटा लग गई ना, जिसका दर्द जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है, आज तक उनकी आंखों में खून के आंसू है। नहीं नहीं, आज समझना होगा, आप जैसे ही लोग थे वहां पे उस समय, काश मेरे जैसे लोग होते तो मैं फ्लड के लिए तो मैं फ्लड के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन लेता। आप जैसे लोगों की वजह से वहां पे हजारों लोगों की जान गई है, क्योंकि आपने ये सोचा कि फ्लड तो कभी होता ही नहीं। पर साफ एक बार भी होता है ना, तो जिसका असर जिंदगी के साथ भी होता है और फिर बाद भी होता है, एक्सटेंट ऑफ लॉसेस। आप बता बेटा, आप जवाब बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब कितना ज्ञान दिया बोलना। हाँ सर, हाँ ब्रो, क्या बोले अभी? आगे बोलिए। मतलब देख बेटा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचकर नहीं चलेगा, उसके अलावा एक्सपोजर भी सोचना जरूरी है। आप ये डायरेक्टली मत बोल देना कभी कि सर वायरस को ही बचाओ, फ्लड को मत बचाओ, क्योंकि वायरस की भले ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पर फ्लड का एक्सपोजर भी तो बहुत ज़्यादा है। वो 100 साल में एक बार होता है, पर एक बार काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। असर आपने देखा ही है। आप बोलिए कि थ्रेट्स, बेटा 100 थ्रेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में,
हमने किसको बचाना चाहिए पहले, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा और जिसका एक्सपोजर भी ज्यादा हो। एक सवाल और, 100 थ्रेट है हमारे पास में, जिसको बताने के लिए 100 होगा चाहिए, 100 crores ऑफ रुपीस। बट दिस ईयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू स्पेंड ओनली 20 crores, तो आप 100 में से कौन से 20 ढूंढोगे? जो प्रायोरिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर कंपेरेटिवली ज्यादा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, आर यू देयर? जिसकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर जिन 20 की ज्यादा होगी, जैसे मेरे सी आई हैव ओनली 20 crores एंड आई वाज सपोज्ड टू हैव 100 खोका, पर मेरे पास नहीं यार, मैं अगले साल बचाऊंगा, पर इस साल मैंने वो कौन से 20 ढूंढना चाहिए? अरे बोलो ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी और जिसका एक्सपोजर वाकई में। सर इसका मतलब बाकी को नहीं बचाएंगे? बचाएंगे बेटा, बाकी को भी बचाएंगे, अगले साल का बजट फाइनल होने दीजिए। समझ गया क्या? अब मुझे बताओ, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7? पॉइंट 5, 6 एंड 7 में क्या संबंध है? मतलब जिन जिन की प्रोबेबिलिटी, जिन जिन का एक्सपोजर कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, हम उनको पहले बचाएंगे। कंट्रोल, एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कंट्रोल करेंगे कहां पे? चलो एक काम कर दे, बैठ जाइए। आप बताओ पॉइंट नंबर 7 क्यों करना जरूरी है? नहीं करूंगा मैं, मेरी मर्जी है, नहीं करूंगा मैं। कोई है जवाब देगा मुझे पॉइंट नंबर 7 क्यों जरूरी है? एनीबॉडी? हाँ जी, हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब, क्या बोलना चाहिए? प्रोबेबिलिटी और एक्सपीरियंस फालतू में क्यों गया? अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर ये सब कुछ क्यों किया? अभी तक पिछले पॉइंट 6 पॉइंट से लेकर आपने हमारी हर पॉइंट में बजाई है, और आप जब वहां पे अंतिम समय पे, अब जब कंट्रोल करने का समय आया तो बोले कंट्रोल नहीं करेंगे, क्यों? अभी तक के 6 पॉइंट में जो भी आपने मेहनत की, अब वो रंग लाएगी पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में वो समय आ चुका है कुछ कर दिखाने का। मुझे बताइए, अगर आपको लगता है फायर नाम की प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर आपको ज्यादा लगता है, तो क्या आप फायर को बचाओगे? तो कैसे बचाओगे कंट्रोल में? सर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे, फायर अलार्म्स लगाएंगे, ए फायर वॉल लगाएंगे ढोकले, फायर के लिए फायर वॉल लगा रहा है, और अगर वायरस है तो हम आंटी को लगाएंगे, और अगर मान लीजिए आपका अनऑथराइज एक्सेस का आपको डर है तो हम लोग पासवर्ड लगाएंगे। ये सारी चीजें पॉइंट 7 में लगी है, 6 में? यहां पे पॉइंट 7 में जिनकी जिनकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर ज्यादा है, हम उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। सर अब आगे बताना क्या होगा, उसके बाद में बता दो क्या होगा पॉइंट नंबर 8 में। कंट्रोल्स कहां पे लगाया? 7 में। एंड व्हाट इज पॉइंट नंबर 8? क्यों रिपोर्ट? किसके बारे में रिपोर्ट? अच्छे से पढ़ना क्या लिखा है। क्या चेक करोगे यहां पे? वॉट एवर सेफ गार्ड विच वी हैव इंप्लीमेंटेड इन पॉइंट नंबर 7, आपको लगता नहीं वो चेक करना जरूरी है? और चेक करने के बाद में चेक करना चाहिए कि वो सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, और इनकेस वो सही नहीं चल रहे होंगे, सो डोंट यू थिंक इट शुड बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, सो दैट व्हाट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन? नहीं नहीं, 7 और 8 में क्या फर्क है? 7 में इंप्लीमेंट किया, 8 में चेक किया कि ऐसा सही है क्या नहीं, और सही है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे, और नहीं है तो विल टेक सम करेक्टिव मेजर। ए गाइस आर यू देयर? ओके, ये था लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बताइए साहब फिर से एक बार, कौन से 8 पॉइंट्स? बोलो साहब सबसे पहले क्या हुआ? प्लान बनाना, प्लान देखना मत, वैसे ही बोलो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। प्लान बनाया आपने, प्लान बना लिया आपने, ढूंढा कि हमारे पास में खोने जैसा क्या है, क्या असेट्स को ढूंढना जरूरी था? अगर आपको ये पता नहीं मेरे पास खोने जैसा क्या, तो आप बचाओगे किसको? बताएंगे व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? बिकॉज ऑल दी असेट्स आर नॉट इक्वली, सम असेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सम असेट्स आर व्हाट लेस इंपॉर्टेंट। हम लोग उसको ही पहले बचाएंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा है। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? बताएंगे थ्रेट्स क्या है,
कंप्यूटर के थ्रेट्स है, फायर है, अर्थक्वेक है, अनऑथराइज एक्सेस है, हैकिंग है, वर्म्स है, पर क्या सारे थ्रेट एक जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या हमने उन्हीं थ्रेट्स को पहले बचाना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी और जिसका एक्सपोजर? आपकी जिंदगी में दो फेलियर, दो थ्रेट, एक बीकॉम का फेल होना और एक सीए का फेल होना। बताओ आपने, आपको क्या लगता है किसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ए बीकॉम, ए सीए का। और बताइए किसके फेल होने में आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बोलो बेटा किसका एक्सपोजर ज्यादा है? वर्चुअल वाले आप बोलो किसका एक्सपोजर ज्यादा है? रुको, हाँ तो कर लेना बीकॉम, कल से क्लासेस आना बंद करिए इधर। बीकॉम ही कर लेना ना फिर। अच्छा चिल बेबी, देखो साहब हमारे थ्रेट्स बहुत सारे हैं, दो थ्रेट है, सीए थ्रेट और बीकॉम थ्रेट्स। सीए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, सीए का एक्सपोजर ज्यादा, और इसीलिए आपने उन थ्रेट को ज्यादा माना है, इसलिए आप अभी जो क्लास में कर रहे हो ये पॉइंट नंबर 7 है, दैट इज व्हाट कंट्रोल। अभी क्लास में बैठना, आपका लेक्चर्स अटेंड करना, सवेरे आना यहाँ पे, ये सारी बातें कंट्रोल है। आप जो क्लास करना और घर पे पढ़ाई करना, ये सारी बातें होती कंट्रोल। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर जो है ना बच्चों, भले किताबों में आज कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर आपने भी प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोर करके क्लास लगाई हुई, मतलब हमारे बैकएंड पे ये प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोर का जो गणित है, जो हिसाब किताब है, ये ऑलरेडी चलते ही रहता है। हम लोग उन्हीं चीज़ों को पहले सिक्योर करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर, पर आपके दिमाग को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पर ऐसा बैकएंड में चलते रहता है। और कंट्रोल आपने किया तो बताओ कंट्रोल के बाद में रिपोर्टिंग क्यों होना जरूरी है? अरे आप तो बोलो यार, रिपोर्टिंग करना बोलते कि वॉट एवर असेट्स यू हैव इंप्लीमेंटेड इट इज टू बी चेक टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अंडरस्टूड या एवरीवन? ओके, आपके वहां पे समरी नोट्स पे आई है। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 21। बताओ प्लान में क्या डिसाइड करोगे आप? हाँ, टीम लिखो, टीम और क्या डिसाइड करोगे? टीम, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, बजट, ये सारी बातें होती हैं। बताओ व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? बताओ असेट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लिखो, इफ यू डू नॉट नो असेट्स व्हाट विल यू प्रोडक्ट, इफ यू डू नॉट नो असेट्स, इफ यू डू नॉट नो असेट्स व्हाट विल यू प्रोडक्ट। अगर आपको असेट्स से नहीं पता तो फिर आप क्या बचाओगे, राइट? व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? बोलो साहब इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए? लिखो, बिकॉज ऑल दी असेट्स आर व्हाट, ऑल दी असेट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। मोर वैल्यूएबल असेट्स शुड बी प्रोटेक्टेड व्हाट, फर्स्ट और लेटर? लिखो, मोर वैल्यूएबल असेट्स शुड बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट। हाँ जी, थ्रेड्स को क्यों पहचानना चाहिए? अगर थ्रेड्स ही नहीं मालूम तो फिर बचाएंगे किससे, है ना? एग्जाम्पल लिखो थ्रेड्स के, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिलिब्रेट, नॉन डिलिब्रेट, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिलिब्रेट, नॉन डिलिब्रेट।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया तो इंटरनल, जिनको पासवर्ड नहीं था उन्होंने किया एक्सटर्नल। अर्थक्वेक हुआ डिलीबरेट या नॉन डिलीबरेट? नॉन डिलीबरेट। हैकिंग हुआ हमारे साथ में, ये डिलीबरेट है। सारे थ्रेट्स हमने देख लिया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर का कॉमन एक्सप्लेनेशन लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पॉइंट्स ये कॉमन एक्सप्लेनेशन है दोनों का, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पॉइंट्स वन कैन डिसाइड प्रायोरिटी, वन कैन डिसाइड प्रायोरिटी, राइट। वो एक्सपोजर के लेफ्ट साइड में लिख दो, क्या मतलब होता है एक्सपोजर का? एक्सटेंट ऑफ लॉस। उसके बाद में क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 7 जरूरी है, टू रिड्यूस व्हाट? टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी एंड लॉसेस ऑफ थ्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस फॉर वायरस, एंटीवायरस फॉर वायरस एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? रिपोर्ट में लिखिए, क्या लिखोगे रिपोर्ट में? रिपोर्ट में क्या लिखोगे? जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका क्या करना चाहिए? हमने लिखो इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स to know whether it is working properly, जानने के लिए कि वो सही चल रहा है कि नहीं। If not, मतलब अगर ऐसा नहीं रहा तो corrective measures can be taken. पेज नंबर 1-3 रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ई कॉमर्स। क्या हुआ सिंटू? मुझे कुछ कहना है इस बारे में? ये क्वेश्चन पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोड्यूस किया क्यों। ये पूरी तरह से अमेंडेड है वैसे 31। प्रीवियस सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया था इस क्वेश्चन को, अब दिया है जरूर। मैं पढ़ा दूं? पढ़ने का कोई मन नहीं आपका? कभी होता है? एग्जामिनेशन जानते हो कितने दिन पे? तारीख जानते हो आज क्या है? 45 days है ना? पढ़ना नहीं, आ जाओ। जस्ट यू नो एक क्वेश्चन है, जस्ट 5 minutes में इट विल बी ओवर, फिर आप बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है ना? 10 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट, 10 मिनट लगेगा। पढ़ेंगे या क्या करेंगे? इतना क्वेश्चन कर लो फिर मैं आपको गाना दिखाता हूँ, ठीक है ना? अरे ऐसे मत करो यार, मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूँ यार? आप दुनिया में, आप खुद देख रहे हो सिलेबस कितना बड़ा है, 50 मार्क का सब्जेक्ट पर दुनिया है उसके अंदर। पढ़ा दो ना। हाँ चलो फिर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ व्हाई दिस क्वेश्चन वॉज इंट्रोड्यूस। पहली बात तो आप मुझे बताइए,
इस क्वेश्चन को क्यों इंट्रोड्यूस किया? ई कॉमर्स की इन्होंने आज हमें बताया कि इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, वहां से हमने मेमोरिटी नहीं देखा, उसमें हमें मालूम चला कि ई कॉमर्स के ये फायदे हैं। उस फायदों को देखकर बहक मत जाना। फायदे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस डायरेक्टली चालू कर दो। चालू करने से पहले एंश्योर, बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए इन सब के रिस्क के बारे में। अगर ये रिस्क लिखे तो आपको भी पहले डरना होगा। आपको पहले पता होना चाहिए ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा जरूर है, हमारे लिए भी उनके लिए भी, पर इतनी सारी रिस्क इन्वॉल्व है, इनको मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना। मतलब आपको इंस्टीट्यूट सावधान कर रही है कि वेन एवर यू वर्क ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट यू हैव टू बी केयरफुल, कहीं आप गलती ना कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं वेबसाइट ही फेक है, कहीं ऐसा तो नहीं यू मेक द पेमेंट बट यू आर नॉट रिसीविंग गुड्स, कहीं ऐसा तो नहीं योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आर सीन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। मतलब कि ई कॉमर्स का बिजनेस करो बट यू हैव टू बी केयरफुल, आपको इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ही फैसला लेना है। अंडरस्टूड नाउ? सी द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? एनोनिमिटी, ऐसा लिखा है। व्हाट इज द पॉइंट? देखो वहां पे देयर इज अ नीड टू व्हाट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो अच्छे से। देयर इज अ नीड टू व्हाट? आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स इन द व्हाट वर्चुअल ग्लोबल मार्केट वेयर एनीवन कैन सेल, एनीवन कैन सेल, एनीवन कैन सेल और बाय फ्रॉम एनीवन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो व्हाट, तो कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? कोई भी बेच सकता है तो क्या डर किस बात का है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो, यू मेक द पेमेंट ऑल्सो बट यू डू नॉट गेट गुड्स बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट टू द फेक वेबसाइट। वाइल मेकिंग पेमेंट यू डिड नॉट कम टू नो इट वॉज अ फेक वेबसाइट। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में एक बार ऐसे ही हुआ था, सिटी बैंक, नाम था सिटी बैंक का CITI, पर जानबूझ के हैकर्स ने और वाहियात फ्रॉडस्टर्स ने एक वेबसाइट खोली जिसका नाम है CITY बैंक, जबकि सिटी बैंक का स्पेलिंग CITI। अब कुछ लोग होते हैं, अब सिटी बैंक नया है तो गूगल में टाइप करते करते कुछ लोग CITY कभी कभी हो जाता है यार, और गूगल में आप CITY बैंक डालोगे तो उसकी भी एक लिंक खुलेगी और यू विल सिंपली क्लिक ऑन इट और ऐसा खुलेगा, ऐसा वेबसाइट खुलेगा जैसे मानो वो सच की वेबसाइट है। And you make the, you enter the ID password. आपको ये लगता है कि वो सही वेबसाइट है and you are entering ID password. खत्म हो गया ना आपका गेम। उसके बाद में once you enter the ID password, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वेबसाइट पे कुछ आता ही नहीं, उस वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज है, enter your ID and password, और कुछ है नहीं। सर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यही होगा जो नहीं होना चाहिए था। आपने उसके घर पे जाके उसको बोला ले ले, अब वो पूरे मजे लेगा। ऐसा आपके साथ में हो सकता है while making what payment, before you make the payment please ensure that you are giving payment to authorized website। directly debit card की मस्ती मत बताना, ए ले ले, पहले ensure कर ले कि वो सही website है या नहीं। खत्म हो गया first point, या और इसमें लिखा है लिखा ना मार्केट वेयर एनी वन कैन सेल, कोई भी बेच सकता है, तो आपको एंटर करना है कि वो वेबसाइट, देखो कभी भी पॉपुलर वेबसाइट से ही बाय करना, नई वेबसाइट को आजमाना मत, हो सकता है आप गलत जगह पे पैसे दे रहे हो, ठीक है ना। पॉइंट वन इज, व्हाट इज पॉइंट नंबर टू? रेपुटेशन ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल और सेल ऑर्डर और परचेसेस बाय ट्रेडिंग पार्टनर और कस्टमर मे बी व्हाट ऑनलाइन? नो, यहाँ पे मैं डेल की शॉप पे जाता हूँ, बाई करता हूँ ना शॉप से, तो मुझे कुछ चिट्ठी मिलती है, आई गेट सम डेटा, आई हैव सम प्रूफ, ऑन द बेस ऑफ दैट प्रूफ आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? बट व्हेन आई मेक पेमेंट ऑनलाइन आई डू नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट एज सच, आई जस्ट गेट एन एक्नॉलेजमेंट, जिसको लेकर इफ आई गो टू द नॉर्मल पुलिस they won't even accept that evidences.
वो क्या बोलता है, तुमने पैसे दिए? हाँ साहब मैंने पैसे दिए। कितने दिए? आई परचेज द लैपटॉप ऑफ 2 लाख रुपीज, ईबे से मैंने बाय किया, ईबे ने मुझे अब तक नहीं भेजा। तो दिस पुलिस विल नॉट इवन एंटरटेन यू, क्योंकि आपके पास में यू डोंट हैव व्हाट, यू डोंट हैव प्रूफ ऑफ व्हाट मेकिंग द पेमेंट। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं नॉर्मल शॉप से खरीदता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट मिलता है यार, आई हैव सम प्रूफ, जिसके ऊपर कंपनी का थप्पा लगा होता है कि हाँ वी हैव रिसीव्ड, और कुछ तो साइन होती है। यहाँ पे तो आई जस्ट गॉट एन एक्नॉलेजमेंट। प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट्स अ रिस्क। और आप क्या कर लोगे? सपोज ईबे इज नॉट मेकिंग, नॉट प्रोवाइडिंग गुड्स, दैट्स ऑल। अब इसके कितने झमेले है, अगर यहाँ पे डेल वाला अगर देगा ना हमारा लैपटॉप तो 10 बच्चे लेके जाके ठोके आएंगे उसको। मतलब वी हैव सम प्रूफ यार, ऐसे कैसे? अब ईबे को मैं ढूंढूंगा कहाँ पे जाके? आई मेड द पेमेंट, आई मेड 2 लाख, अरे हाँ भाई मैं कार्रवाई करता हूँ, पर गांव जाऊंगा? शुरुआत तो यहाँ से, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। एबल टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ व्हाट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मे नॉट बी व्हाट। क्या लिखा देखो ना, the electronic document that are electronic document that are produced in the course of e-commerce transaction may not be what, may not be authentic and what, jo documents hamare produce ho rahe na, main wapas wahi bol raha hu, once you make the payment, no, you're going to get what documents from the company that you have made the thank you for placing the order or yesam, that document may not be what, reliable, jiske upar hum log bharosa karke itna maan li, suppose I have ye baat dekho, 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कुछ लगता नहीं ऑनलाइन। सपोज यू आर मेकिंग द और परचेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ 10-15 लाख रुपीज फ्रॉम द वेबसाइट, क्या मिल रहा है ना उसका, एक चिट्ठी मिल रही है, दैट माइट नॉट बी रिलायबल यार, हो सकता है दैट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड ऑल्सो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। वॉट इज पॉइंट नंबर 4, डेटा लॉस और व्हाट, थेफ्ट और व्हाट, ये सब लिखा है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, डेटा लॉस और थेफ्ट, देखा डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट मे बी व्हाट, लॉस्ट, डुप्लीकेटेड एंड व्हाट, टैम्पर्ड का मतलब समझता है, किसने उसको छेड़ा। एग्जाम्पल ऐसे हुआ ना अभी बच्चों, सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ हाल ही में 2 साल पहले इंटरनेट की इस दुनिया में, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा, 41 लाख लोगों के आईडी पासवर्ड कुछ दरिंदों में, 41 लाख बोल रहा हूँ मैं, 4 लाख नहीं बोल रहा, 41 लाख लोगों के आईडी पासवर्ड कुछ दरिंदों ने बड़े बड़ी वेबसाइट्स से उड़ा दिए। वाइल मेकिंग द पेमेंट सी यू आर सपोज टू शेयर योर आईडी पासवर्ड, इन लोगों ने क्या करा, नेटवर्किंग को ही हैक कर लिया, ईबे के एक करने के, ईबे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट सब के आईडी पासवर्ड को हैक करके इन्होंने 41 लाख लोगों के आईडी पासवर्ड अनऑथराइज्ड टैप कर लिए, और बाद में दे स्टार्टेड मिसयूजिंग इट, वंस दे आर हैविंग आईडी पासवर्ड दे कैन डू एनीथिंग, नो, सो नाउ दे हैव रिसीव्ड व्हाट योर कॉन्फिडेंशियल डेटा। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें समझ में, फिजिकल शॉप पे जब जाता हूँ ना मैं, तो जाके कैश रखता हूँ, बिल लेता हूँ, घर पे आता हूँ, क्या 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 है टैम्परिंग, इधर कैसा है आपका, तो अरे मेरे अकाउंट में आज 40 लाख रुपीज़ है, एंड आई मेक 10,000 रुपये के पेमेंट करने के लिए मुझे आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, एंड सपोज समबडी सीज माई आईडी पासवर्ड, दैट पर्सन कैन व्हाट अगेन मिस यूज माई आईडी पासवर्ड, ई ऑल्सो कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट्स। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज पॉइंट नंबर 5, अटैक फ्रॉम व्हाट, हैकर्स, वेब सर्वर यूज फॉर व्हाट, ई कॉमर्स मे बी व्हाट, हैकिंग हुआ ना इसके ऊपर आजकल, सिटी बैंक के सर्वर पे हैक कर लिया साहब, किसी ने पूरे डेटा को हैक कर लिया उन्होंने, और उन्होंने मस्ती क्या कर रहे हैं, व्हाट दे कुड एक्सेस फ्रॉम सिटी बैंक, अरे वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है अब सिटी, ये क्या बोलते हैं, हाँ सिटी बैंक की बात करो ना, यस यस सिटी बैंक की बात करो, और इस सिटी बैंक के इट्स एन व्हाट इंटरनेशनल बैंक, और इस बैंक का क्या कर लिया हैकर्स ने, उसके पूरे डेटाबेस को हैक कर लिया, और हैक करने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, उनका मतलब दे कुड नॉट हैक एवरीथिंग, दे कुड हैक द मोबाइल नंबर, दे कुड हैक द बैलेंस अमाउंट, एंड दे कुड हैक द ईमेल आईडीज, ऐसा कुछ तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हैक किया, और हैक करने के बाद में क्या कर रहे हैं, वो सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, नाउ वी हैव गॉट व्हाट, योर आईडी पासवर्ड, वी हैव हैक्ड द डेटाबेस ऑफ सिटी बैंक, और सबको कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने वाले क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं नाउ वी गोइंग टू व्हाट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम, ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे बिकॉज दे वर नॉट हैविंग ऑल द डेटा, सिर्फ डरा थे। इस घटना के बाद में ये न्यूज़ जो है सारे मीडिया में आई,
मीडिया के बाद में सारी जनता तक पहुंची, और उसके बाद में सिटी बैंक का तो जो क्या बोलते हैं जो इमेज है वो डाउन हुआ, साथ साथ में उनका जो मार्केट शेयर, जो शेयर मार्केट के प्राइजेस है वो तक डाउन हो गए। बिकॉज अगर आप बताइए कोई बैंक का अगर डेटा ही डिस्क्लोज हो रहा तो बैंक के पास में ट्रस्ट करने से बचा ही क्या है। आजकल हर किसी का अकाउंट ऑनलाइन है, और अगर ये डेटा ही किसको दिख गया तो कोई बैंक के ऊपर विश्वास रखेगा ही नहीं। ई कॉमर्स की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्या लिखा है, अटैक फ्रॉम व्हाट, हैकर्स, कोई भी किसी की बजा सकता है। हैकिंग वेरी इजी, वेरी स्मार्ट, उनकी रोजी रोटी ऐसा, वो हमारी सोच वहाँ पे खत्म होती है, वहाँ उनकी चालू, उनका रात दिन एक ही काम होता है, हैकर, हैकर्स, हैकर्स। हैकिंग मतलब क्या, कोई भी पराई चीज़ को अपना समझ कर यूज़ करना इंटरनेट के ऊपर, दैट इज हैकिंग। मैं आपको इसके ऊपर एक केस दिखाना चाहूँगा। ये सोनी कंपनी का भी देखिए, ऑनलाइन कॉमर्स के ऊपर, the gaming world is going nuts of the massive security breach of Sony's network. Last week we told you how the PlayStation 3 online network was hacked, leaving the information of 77 million gamers in hackers' hands. Critical. ये सोनी की गेम्स चलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन गेम्स चलते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में कैसे लोग गेम डाउनलोड करते फिर खेलते, वहाँ पे इंटरनेट स्पीड इतना ज़्यादा है कि लोग ऑनलाइन गेम खेलना ही पसंद करते हैं, पर आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो लोग गेम के बहुत शौकीन हैं, तो क्या करते हैं, पैसे भरते और गेम्स खेलते रहते। तो इन्होंने क्या करिए, देखो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है, ये यूज़र नेम और ये सारी चीज़ें क्या करिए, ये पासवर्ड वगैरह सब, ये सारे जितने भी सोनी के जो जिन्होंने पैसे भरे थे ऐसे लोगों का पूरा ये डेटाबेस किसी ने हैक कर लिया। और बाद में क्या करा, वो हैक करने के बाद में वो इन्होंने पैसे भरे होंगे और यूज कोई और करेगा, समझ गया ना पुकेश, अब देखो क्या बोल रही हूँ। Information like usernames, passwords, email addresses, network logins, all things which could be useful if hackers wanted to conduct identity theft. But then just days later, Sony's other online network, Sony Online Entertainment, was also hacked. And in that case, they stole private information from 24.6 million accounts. Some of them. 24.6 million account ka data hack kar liya humne. The data back to 2007. Now, we should also note that the SOE hack affected mostly non-US users, which makes this hack now a global problem. So as you can imagine, gamers are now pretty pissed on multiple levels. One being that their private information was hacked, the other being that they can't actually play games online because the networks are still shut down. And we can't leave out that while Sony officially reported that the actual credit card data wasn't stolen, many users are reporting fraud on their credit cards, proving that Sony's attempt at claiming or calming its customers was nothing but lies. So, while gamers are stewing with anger, Sony's in emergency repair mode. Users are not at all satisfied, not happy with the services of Sony. वहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, सोनी और डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में कभी सुना है आपने? डू नो अबाउट डिनाइल ऑफ सर्विस? ये ऐसा केस हुआ था इसके साथ में, नैसडैक जानते हो, नैसडैक बोला था मैंने इसके बारे में, नैसडैक आपने कभी सुना क्या है नैसडैक के बारे में? ये नैसडैक के बारे में
ये जैसा इंडिया का एनएससी बीएससी है ना, इन लोगों ने क्या कर दिया है, ये देखना भी कैसा हैकर्स कैसे करते हैं। ये यहाँ से इन्होंने क्या करा है, इन एरिया से इसके ऊपर अटैक करना चालू किया और इतना अटैक कर दिया है, इतना अटैक कर दिया है, ये सारे अनवांटेड अटैक्स बोलते क्या, दे वांटेड जस्ट टू मेक नैसडैक सर्वर एंगेज्ड। देखो हर सर्वर की कैपेसिटी होती है, उतने लोगों को सर्व करता है। तो नॉर्मल मान लीजिए 10 लाख यूज़र अगर नैसडैक पे है तो 10 लाख यूज़र को सर्विस दे रहा था, पर इन दरिंदों ने क्या करा, ये इनको कुछ शेयर्स वगैरह कुछ बाय नहीं करना है, ये सिर्फ जाके क्या कर रहे हैं, उसकी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अटैक करते बोलते लाखों अटैकर भेजेंगे। अब बोलेंगे अटैकर्स इतने कहाँ बैठेंगे, इतने अटैकर्स नहीं बैठेंगे, एक एक सॉफ्टवेयर लाखों बार अटैक करते हैं। अभी मैं बोला 10 लाख लोग कहाँ बैठेंगे, 10 लाख लोग नहीं बैठेंगे, 10 लाख अटैक करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर्स। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं और ये सिस्टम क्या हुआ, ये बिजी, ये जो इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके ऊपर यूएसए का पूरा इकोनॉमी चलता है, वहाँ पे इन्होंने इतना अटैक कर दिया, अभी सर्वर हौले से कर रहे हैं। नाउ सर्वर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं इतने लोगों को सर्व कैसे करूं। अब सर्वर उसके बाद में क्या, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो गया, अरे वो बोल रहा है मुझे दे दो दे दो दे दो। सर्वर का कैपेसिटी कि वो उतने ही लोगों को सर्व कर सकता है, इतने सारे लोग एक्सेस में डिमांड करें तो सर्वर इज गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जो यूएसए के जो नॉर्मल यूजर्स है, मान लो ये नॉर्मल यूजर्स है यूएसए के, नाउ दे वॉन्ट टू एक्सेस नैसडैक। अब ये जो डेली रूटीन जेन्युइन कस्टमर्स, नाउ व्हेन दिस कस्टमर आर ट्राइंग टू एक्सेस सिस्टम, इनको आ रहा है सर्वर इज व्हाट, सर्विस डाउन, सर्वर इज नॉट अवेलेबल। इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। 2.5 घंटे के लिए नैसडैक का सर्वर बंद रहा इन अटैकर्स, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। ये नाम ही उसका, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। आप बोलेंगे ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम, ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम बोलते, ऐसा हुआ तो क्या, खत्म हो गया ना बिजनेस, खत्म हो गया। इसके बाद में उस दिन फेसबुक का लॉन्चिंग होने वाला था नैसडैक पे, कुछ तो आईपीओ का लॉन्च, फेसबुक ने इनसे फाइन वसूल किया कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, नैसडैक से पैसे लिए, क्योंकि फेसबुक का ये मानना था कि तुम्हारा सर्वर 2.5 घंटे बंद होने से मेरे शेयर्स के जो भी वो बाय सेल पे ट्रेडिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ, और फेसबुक ने जुर्माना मांगा किससे, नैसडैक से, और नैसडैक को पे करना पड़ा, क्योंकि इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नैसडैक टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। तो ये तो हर किसी के साथ, ये जनरली कौन करता है, ये अपना ही कॉम्पिटिटर करवाने लगाता है, इसे पीछे याहू के ऊपर हुआ था। क्या करते जान कुछ, ये अटैक करने के लिए इसका ये मतलब नहीं, हैकिंग और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे वो डेटा देखते नहीं आपका, यहाँ पे सिर्फ दे आर गोइंग टू वांट मेक यू नो एंगेज्ड। हैकिंग में दे विल एक्सेस योर डेटा, इट इज़ नॉट अ हैकिंग अटैक। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे ऐसे, और ताकि ये सिस्टम किसी के लिए अवेलेबल ना रहे। अंडरस्टूड दिस, लिख दो आप एग्जाम्पल नैसडैक। एग्जाम्पल लिखा गया अपने नैसडैक वहां पे, ओके। उसके बाद में कौन सा देखो, पॉइंट नंबर 7 देखना, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर मे नॉट बी व्हाट रिकॉग्नाइज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ। वापस से मैं पढ़ता हूँ, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर मे नॉट बी। यहाँ पे मे के ऊपर फोकस क्यों करना है, कि कभी कभी अब जैसे कि आजकल काफ़ी लॉज अमेंडेड हो चुके हैं, इन सम कंट्रीज इट इज स्टिल नॉट यू नो एक्सेप्टेबल, योर इलेक्ट्रो ओनली फिजिकल एविडेंसेस आर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पर आजकल शुक्र है हमारा भारत का साइबर लॉ बहुत आगे चला गया है, अब वर्ल्ड के 3rd नंबर पे हमारा साइबर लॉ है। तो काफ़ी कुछ अभी 2008 में हमारा साइबर लॉ अमेंडमेंट हुआ, जिसमें सारी चीज़ें लिखी है, हमारा एविडेंस एक्ट अमेंडमेंट हुआ, हमारा IPC अमेंडेड हुआ, जिसमें यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको सपोज मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ, बाइंग समथिंग ऑन इंटरनेट, और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आ गया एक्नॉलेजमेंट, दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी व्हाट कंसिडर्ड एज अ व्हाट वैलिड डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पर ऐसा क्या बोल रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ, अभी इंडिया के बारे में नहीं लिखा रहे, मैंने सपोज किसी को फॉरेनर को सेल किया हो ऐसे, तो उसके में ही इज नॉट मेकिंग एनी पेमेंट टू माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को कि मैंने इसको गुड्स भेजा था, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो हो सकता है उसकी कंट्री में मेरा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाए।
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइबर लॉ वेरीज फ्रॉम व्हाट कंट्री टू कंट्री. आप बोलेंगे कंट्री टू कंट्री की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो यू बिकम ग्लोबल. तो हो सकता है आपका बायर सप्लायर हो सकता है आउट ऑफ इंडिया का हो सकता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स नहीं चले, वही लिखा है मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लैक ऑफ व्हाट क्या लिखा देखो, ऑडिट ट्रेल्स इन द ई कॉमर्स सिस्टम मे बी व्हाट लैकिंग इन द लॉग्स मे बी व्हाट इनकम्प्लीट टू वॉल्यूमनियस और व्हाट इजीली टैम्पर्ड. इसका मतलब ये होता है ऑडिट ट्रेल नहीं होता, मतलब देखो ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि पूरा ट्रांजेक्शन दिखना चाहिए, है ना. तो वेन वी जैसे एग्जाम्पल हम लोग किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना तो जनरली किसी भी जगह पे ऑनलाइन में मेरा अगर एम्प्लॉई अगर आइडिया के ऑफिस में पैसे भरने जाता है तो आइडिया के ऑफिस से मुझे बाकायदा एक रिसीट मिलती है जिसके ऊपर आइडिया का साइन होता है. बट वेन आई मेक पेमेंट ऑनलाइन ऐसा कोई ऑडिट ट्रेल नहीं मेरे पास में कि जिसकी वजह से ऑडिटर ये चेक कर सके कि इसके पेमेंट हुआ था कि नहीं हुआ. सम ट्रांजेक्शन्स आर डन बाय सिस्टम व्हाट ऑटोमेटिकली जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है. जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे एग्जांपल ई कॉमर्स की इस दुनिया में जैसे एग्जांपल ये अपना कोई भी बैंक का एग्जांपल ले लो और बैंक इज चार्जिंग यू इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जिसका कोई भी एविडेंस नहीं. पहले कैसा कि अगर बैंक को इंटरेस्ट चार्ज करना होता था तो बैंक कैसे इंटरेस्ट चार्ज करती थी, ऐसे वाउचर बना के लिखती थी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बाद में वो पोस्ट होता था उस अकाउंट होल्डर के नाम पर. आज क्या करता है ये ईआरपी सिस्टम अपने आप ही इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है. अगर ऑडिटर जाके चेक करेगा टिक भाई इतना इंटरेस्ट है तो दूसरा टिक के लिए चिट्ठी लगेगा ना इधर टिक उधर टिक, तो वो टिक तो कर देगा एक टिक दूसरी टिक किधर करेगा. देयर इज नो ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल समझते हैं आपको, मतलब कि सिस्टम जैसे एग्जाम्पल सैलरी चार्ज करना है तो सिस्टम पहले जमाने में सैलरी कैसे चार्ज होती थी, सैलरी का वाउचर बनता था और ऑडिट पढ़ते हैं ना आप लोग और बाद में सैलरी को वाउचर देख के वो सैलरी. तो हम लोग अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मैं क्या चेक करूँगा सैलरी अकाउंट टिक ये सैलरी का वाउचर टिक. आज कैसा हो रहा सिस्टम इज व्हाट ऑटोमेटिकली यू नो एंटरिंग क्या क्या बोलते हैं सैलरी का सब डेटा वहाँ पे एंटर कर रहे हैं. मतलब कोई इंसान बैठ के एंट्री नहीं करता है वहाँ पे ये वाउचर बना के, तो इसका कोई वाउचर ही नहीं है. तो फिर अगर ऑडिटर जाके चेक करेगा सैलरी सही कि नहीं तो सैलरी का टिक करेगा पर दूसरा टिक किधर करेगा, बिकॉज वाउचर तो क्रिएट हुआ ही नहीं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. वो लिखा है यहाँ पे तो लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स है, ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती. और लास्ट में क्या लिखा है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट. जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसमें, अगर किसी के ऑनलाइन लेक्चर्स चालू हुए ऑनलाइन लेक्चर्स उसने बेचने के लिए रखे पोर्टल बना के पोर्टल बना रहे या फिर वो बुक बेच रहे ऑनलाइन ई बुक्स, आपको लगता नहीं ईजिली पायरेसी हो सकती है इसकी. एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम है स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर, उस स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर को लगा दिया तो स्क्रीन वाली सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो सकती है कैप्चर हो सकती है. तो आप ऑनलाइन वीडियोस में ये कभी ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा. अगर आपने वो जैसे आप बोलोगे ना हम लोग पैसे देते तो वो वीडियो दिखता है, तो अगर आप चाहो तो आप बोलेंगे वो डाउनलोड नहीं होता, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है उसको, उसके लिए स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर तो अपने आप वो रिकॉर्ड करते रहता है उसको. तो ऐसे रिकॉर्डिंग अगर चालू हो तो पायरेसी हो जाएगा ना उसका, तो इसलिए कई लोगों के लेक्चर्स लीक हो जाते हैं. पायरेसी समझता है क्या, पायरेसी हो जाएगा ना. आपका काम क्या सिर्फ एक बार व्यू करना, पर लोग उसको व्यू तो करेंगे डाउनलोड भी कर लेंगे अपने आप, तो ऐसा पायरेसी कहाँ पे हो सकता है. अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी पायरेसी नहीं हो सकता बिकॉज आप मेरे सामने लाइव बैठे हो. ऐसा तभी हो सकता है जब ई कॉमर्स में वीडियोस भेजे जाएंगे बुक्स भेजे जाएंगे, लोग बुक्स डाउनलोड कर लेंगे आपकी और अपना नाम बना के खुद ऑथर बन जाएंगे और बुक आपकी बेचेंगे. इसको बोलते हैं पायरेसी. लिखो वहाँ पे एग्जांपल ई बुक्स ई लेक्चर्स. ये सारी बातें हुई, ये सारे थे किसके रिस्क थी, ये रिस्क था किसका ई कॉमर्स का. आज हमने इस क्लास में तीन क्वेश्चन नए किए, एक असिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस किया था. असिंक्रोनस सिंक्रोनस किया ना हमने, तो आपको बताना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ. कहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज आफ्टर एंड बिफोर एवरी बाइट. Start asynchronous. Start and stop bits are used after and before every block of bytes. Synchronous. Tell me which one is more secured? Which one is less secured? Synchronous. कहाँ पे बताएंगे it is very very time consuming. Async. कहाँ पे it is less time consuming? Synchronous. आज हमने उसके बाद में एक question देखा levels
ऑफ सिक्योरिटी. बताओ सबसे पहले क्या होता है? हम लोग प्लान करते हैं, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई असेट्स, देन इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, देन हम लोग उसके थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, थ्रेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं और बाद में उसका रिपोर्ट करते हैं. और अभी हमने बहुत सारे ई कॉमर्स की रिस्क देखे, इसका रिविजन हम लोग करते हैं कल. थैंक यू, सी यू टुमारो गाइस.